बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम तमाम दोस्तों को बार वोकेशन कोर्स के पहले दिन के दूसरे लेक्चर के अंदर खुश आमदेद। बार वोकेशनल कोर्स का मकसद सिर्फ आपसे गुफ्तगू करना और आपकी ट्रेनिंग करना नहीं, बल्कि आपके सामने ऐसे आउटस्टैंडिंग वकीलों को प्रेजेंट करना भी है कि जिनको आप देख कर कहें कि यार इस तरीके का हमें होना चाहिए। मैं तो हूँ ही, अपने आप को अपना एग्जाम्पल दे ही रहा हूँ कि ज़बरदस्त वकील कैसे होते हैं लेकिन और बेशुमार देता रहूँगा, लेकिन पीपल हु आई एक्चुअली माई सेल्फ कंसिडर टू बी जेन्युइनली गुड लॉयर्स और जिनके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को आप कॉपी कर सकते हैं या उनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, एक मकसद यहाँ पे ये भी है कि हम ऐसे दोस्तों को बुलवा कर उनसे बात वगैरह करें कि जी कैसे करना है क्या, ताकि आप उनको ये भी जान सकें कि यार ज़ुबान देखो उसकी बिल्कुल नहीं लड़खड़ाती, कैसे बोलता है, कैसे अंदाज कितना ठहराव है। मैं तो बड़ा एक्साइटेडली गुफ्तगू कर रहा था, हमारे दोस्त जिनसे अभी आप बात करेंगे बड़े ठहराव के साथ, बड़े स्टाइल के साथ, बीच में अच्छे अंदाज के अंदर बोलते हैं और जजेस को कन्विंस करते हैं। अहमद पंसोटा साहब मेरे एक्चुअली छोटे भाई भी हैं और वैसे भी प्यार का हमारा आपस में काफ़ी रिश्ता है, मगर इन एडिशन टू दैट आउटस्टैंडिंग लॉयर भी हैं। बहुत कम उम्र में बहुत ज़बरदस्त अंदाज में इस प्रोफेशन के अंदर इन्होंने जिस तरीके से अपनी जगह बनाई है और जिस तरीके से मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ के अंदर इन्होंने अब शाइन कर रहे हैं, वो एक्चुअली बहुत इज़ अ शाइनिंग एग्जांपल आप तमाम दोस्तों के लिए। अहमद ने कम उम्र के अंदर बेशुमार कोर्ट मुकदमों के अंदर उस बंदे को माइकस बनाता है अपनी मदद के लिए कि जिनको वो समझता है कि जो उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। मल्टीपल हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर केस के अंदर अहमद मंसोटा साहब को माइकस अपॉइंट किया गया। मल्टीपल केसेस के अंदर इन्होंने सोशल आपके आपसे बात कर रहे थे चेंजेस वगैरह जो लाई जा सकती हैं, सोशल इश्यूज पर लिटिगेशन की बहुत ज़बरदस्त लेवल के ऊपर, कॉर्पोरेट साइड पे भी और दूसरी साइड के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त वकालत भी करते हैं, टीवी पर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक अच्छे वकील की नुमाइंदगी, आला वकील की नुमाइंदगी करते हैं, उसके तौर पे भी पेश होते हैं, गुफ्तगू करते हुए पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इनका प्यार का रिश्ता और इनके डेडिकेशन इस प्रोफेशन के साथ ये है कि जब भी हमने इनको बुलवाया एज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल, ये हमेशा यहाँ पर आए और मुकम्मल तौर पर अपना वक्त देते हैं। तो आपकी गाइडेंस के लिए मेरे लिए ऑनर है, अपने भाई अहमद पंसोटा साहब, बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और लेक्चर दें। थैंक यू। बात के तालुक जी सर, मुझे लगता है अगर आपने दो दफ़ा तारुफ और कराया तो मेरे से एक लेक्चर दे नहीं होगा जितना आप फसीओ बली किस्म का तारुफ करा रहे हैं। बट एनीवेज जी, मैं आई वुड ट्राई कि मैं एंड पर कोई क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट भी लूँ, और जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअली दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज मैं ये वाहिद सब्जेक्ट है कानून में जो पढ़ाता हूँ और पढ़ा सकता हूँ, मैं समझता हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे एविडेंस, क्रिमिनल, सिविल, शायद मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ अच्छी तरह या गुजारे लायक करता हूँ, बट उनको शायद मैं पढ़ाने में इतना सक्सेसफुल अपने आप को नहीं समझता, विच इज़ वाई आई हैव चोजन दिस सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट विच आई विल बी टीचिंग। और मैं इस वक्त दो तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें कनेड कॉलेज लाहौर है और UMT है और एक दो और जगह पर एज विजिटिंग फैकल्टी जाता रहता हूँ और इसको पढ़ाता हूँ, बिकॉज मैं बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ अबाउट जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो ट्रेडिशंस ऑफ बार एंड रूल्स ऑफ प्रोफेशनल एटिकेट एंड गुड कॉन्डक्ट है, इसके बारे में कि हम एक मार्क ट्वेन का कोट है कि आई हैव नेवर लेट माई स्कूलिंग इंटरफेयर विद माई एजुकेशन। अब हमारे यहाँ स्कूलिंग तो बहुत है, लॉ स्कूल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, तालीम के ऊपर बहुत हमारा जोर है, लेकिन तरबियत जो है, जो कि एक वकील की मैं समझता हूँ कि बुनियादी ढाल है या उसका एक पहचान है, उसके ऊपर हमारी फोकस कम है, जिसकी वजह से फिर आप देखते हैं कि वकला के मसाइल बेतहाशा पैदा होते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे अल्फाज जो उनसे एसोसिएट किया जाता है या सोसाइटी में हमारे बारे में ये कहा जाता है कि हम रेजिलिएंट हैं, हम वकला गर्दी और इस किस्म की जो फजूल बातें हैं वो हमारे से एसोसिएट या मंसूब की जाती हैं। और उसका बुनियादी मेरे नज़दीक जो रीज़न है वो ये है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर किसी ने तफसील से इसको ना कॉलेज लेवल पर और ना ही एट द आप जिसे कहते हैं जब आप कहीं काम कर रहे हैं किसी उस्ताद के साथ, तो उस्ताद भी आपको उस तरफ बात नहीं लेके जाता। तो ये मोहम्मद साहब की मैं समझता हूँ बड़ी कंट्रीब्यूशन है टू आर प्रोफेशन कि वो इन चीज़ों को लेक्चर की फॉर्म में और हमें भी मोबिलाइज करके और इस तरह के लेक्चर्स तैयार करके दे देते हैं। मैं ऐसे कहूँ कि जी मैं पावर पॉइंट बड़ी अच्छी बनाई है, ये मोहम्मद भाई की बड़ी हेल्प से बनी है, मतलब इट इज़ नॉट समथिंग दैट मैं कंप्लीटली खुद ही बना सकता। सो आई बिलीव कि आप लोगों को इसका बताने का एडवांटेज ये है,
कि वकालत में आके जिस तरह LLB करके हम भी आ गए थे, हमें पहले दिन भेजा गया कि जाओ जाके एडजर्नमेंट ले आओ, और 6 महीने एडजर्नमेंट्स लीं, लेकिन अदालत में पेश कैसे होना है, अदालत के अंदर रवैया क्या रखना है, अदालत में कपड़े क्या पहनने हैं आप, कपड़ों से मकसद ये कि हमारा है तो यूनिफॉर्म, लेकिन आजकल आप देखते हैं कि यूनिफॉर्म के अंदर, मैंने अपनी ज़िंदगी में ब्लैक के अंदर इतने शेड्स पिछले 10 साल में नहीं देखे जो मैं शायद कभी सोच भी नहीं सकता, मैंने ब्लैक के अंदर 13-13 शेड्स देखे हैं। ब्लैक मीन्स ब्लैक, इट इज़ नाइदर लाइट ब्राउन नो रेड और एनीथिंग। इसी तरह कुछ बेसिक्स होती थी जो कि हमें पब्लिक स्कूल्स में सिखाई जाती थी यूनिफॉर्म से रिलेटेड। सो अभी मैं आपको होलिस्टिकली इस बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें सीखनी है। सो इसको हमने कोशिश किया हुआ है इन फॉर्म ऑफ अ स्लाइड कि हम आगे लेके चलें। जी अच्छा, जो आपकी सबसे पहली बात ये है कि ये इनकी वैल्यू क्या है, जो चीज़ें हम आपको आज कोशिश करके यहाँ पर आपसे शेयर करेंगे, ये एक स्लाइड फॉर्म में आपके सामने है। अब इनकी कोई कानूनी हैसियत उस तरह तो नहीं है, एक कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट ज़रूर हैं जो कि हमारे उसमें लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स एक्ट में भी होते थे, जो कि मुझे फर्स्ट टाइम मुझे भी मौका मिला जब मैं क्रेडिट कॉलेज में पढ़ा रहा था। बट इनकी वैसे बहुत ज़्यादा वैल्यू है, दे मे नॉट हैव अ वैल्यू ऑफ और फोर्स ऑफ लॉ, बट येस मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी इंतहा की तैयारी है और आप एक कम्प्लीटली इक्विप्ड हैं विद केस लॉ, लेकिन आप अगर अदालत में जाके जज साहब को, और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि उस दिन मैंने एक वकील साहब को देखा, उसने कहा जी आप कहाँ थे, उसने कहा जी मैं जज साहब का नाम लेके उनकी कोर्ट में था, विदाउट एडिंग द वर्ड जस्टिस या कोई और उनके साथ साहब लगाए। सो जिन जज साहब के सामने उन्होंने केस आर्ग्यू करना था उनको उन्होंने अनॉय कर दी। सो अब अगर मैं अपनी ऑडियंस को अनॉय कर लेता हूँ लेट से, तो मैं जितना मर्जी मुनासिब या डिसेंट लेक्चर दूंगा आप कहेंगे यार ये ख़त्म हो रहे उठे यहाँ से। सो आई हैव टू टेक यू विद मी। नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट मैंशनड इन CPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन और नहीं अदर स्टैचूट। दिस इज समथिंग यू विल लर्न विद एक्सपीरियंस बाय प्रिस्क्रिप्शन या एक दूसरे दोस्तों से बात करके या कोई इस किस्म का लेक्चर एक ऐसा शख्स दे रहा है, क्योंकि मुझे भी 22 साल इस काम में हो गए कि जी हमने जज को कैसे अटेंड करना है। ये अनरिटन रूल्स एंड ट्रेडिशन हैं और ये बेसिकली दे रिलेट टू कंटिन्यूटी ऑफ द फ्रटर्निटी, वी आर पार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग ग्रैंड ट्रेडिशन। अब ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमने एक दूसरे से, जिसको सीना बसीना और एक अंग्रेजी में इसके लिए वर्ड है फोक विजडम, जो कि ऑर्डिनरी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। तो लेट से आप कुछ चीज़ें अपने वालिद से सीखते हैं, वो अपने ग्रैंडफादर से सीखते हैं, इसी तरह वो सीना बसीना चलती आ रही हैं, जो ट्रेडिशंस और कल्चर्स हैं वो इसी तरह आगे चलते हैं, ऐसे नहीं है क्योंकि आपको लिख के बता देते हैं। एंड सिमिलरली जो हमारे प्रोफेशन का आज से 30 साल पहले पोजिशन थी या 40 साल पहले पोजिशन थी, उसमें एक डिटीरिएशन ज़रूर आई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो सीना बसीना चीज़ें आगे नहीं चल सकें, और जो चीज़ें आगे चलें वो डेफिनेटली वो नहीं थी जो हमारे सीनियर्स प्रैक्टिस करते थे, जिसकी वजह से फिर हमारे इस सारे के सारे प्रोफेशन जो है उसके ऊपर डेंट आया। मैं आई विल ट्राई एंड इनको रीड आउट करके फिर एक्सप्लेन करता जाऊँ। फिर ये है कि दे फैसिलिटेट योर करियर ग्रोथ एंड कंटिन्यूटी एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन। आप अकेले अपना केस आर्ग्यू करने वहाँ नहीं गए हुए, आप वहाँ पर अपना केस भी आर्ग्यू कर रहे हैं, साथ साथ क्लाइंट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक वकील जो हमारा प्रोफेशन है उसके एम्बेसडर भी हैं। सो लेट से आप अगर कोर्ट में खड़े हुए केस को आर्ग्यू कर रहे हैं और आपको कोई प्राइवेट शख्स देखता है, तो वो पूरी की पूरी वकला कम्युनिटी के बारे में एक इंप्रेशन फॉर्म करेगा। तो अगर आप वहाँ जज साहब के साथ लड़ते हैं उनका इंप्रेशन वो होगा। उसकी बुनियादी एग्जांपल आपके सामने पुलिस की है, पुलिस में बहुत अच्छे अफसरान भी हैं, बट जब आपसे कोई सिपाही रोक कर पैसे मांगता है तो आपके मुँह से जो वर्ड्स निकलते हैं वो ये कि पुलिस होती ही करप्ट है, एंड इट डजंट नेसेसरली मीन कि सारी पुलिस करप्ट है। सिमिलरली वकला के अंदर बहुत सारे वकील हैं, मोहम्मद भाई जैसे लॉयर्स हैं, जो हर वक्त एकेडमिक साइड को देख रहे होते हैं, आपके लेक्चर्स भी दे रहे हैं, अपने केसेस भी तैयार कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, बट जब आप किसी एक शख्स को अदालत में लड़ते झगड़ते या गलत अंग्रेजी बोलते या गलत उर्दू बोलते कुछ भी करते हुए देखेंगे तो आप एक इंप्रेशन फॉर्म करेंगे। देयरफॉर द रीज़न व्हाई वी आर यू नो अरेंजिंग दीज लेक्चर्स इज कि हम जितना कंसेंसस बना सकें बुनियादी चीज़ों पर, कि आपने पेश कैसे होना है, आपने आपका हालात सुबह कैसे होने चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं है कि आपने ब्लैक सूट पहना हुआ है, रेड स्वेटर पहना हुआ है, ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने देखी हैं। या आप सुबह सुबह आपका केस कॉल होने वाला है और आप बाहर खड़े टिकटॉक बना रहे हैं और उसकी वजह से आपका केस लेट हो जाए, यू नो ये सारी की सारी वो बातें हैं दैट यू नीड। फिर दिस सप्लीमेंट कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड अदर रूल्स, जिनके ऊपर आगे आगे तफसील में हम बात करेंगे। अब है जी कोर्ट्स, इनसे बात शुरू करते हैं। पहली तो बात यह कि अदालत को अदालत समझकर पेश होना बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप अदालत को ऐसे पेश होंगे कि मैं
लेट्स से कि कैफे जूक में जाके कोई केस आर्ग्यू कर रहा हूँ, तो फिर ऑफकोर्स उसका एक जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट है. एग्जाम्पल, आप अपनी वालदा और अपने वालिद जो हैं उनके साथ 100 इख्तलाफ हों, उनके साथ 100 आपके मामलात हों, बट आप कभी भी डिसरिस्पेक्ट की रीज़न जो है वो नहीं बन सकते. उसकी बहुत सारी रीज़न्स होंगी और बुनियादी रीज़न्स यही हैं कि कहीं पर कहा गया है आपको, या आप इस चीज़ को एक फीड किया गया कि दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू एडहेयर टू. सिमिलरली कोर्ट्स जो हैं वो एक बहुत फॉर्मल जगह हैं, एंड आई हैव जस्ट रिड्यूस दैट एज वेल, कि यू हैव टू बिहेव इन अ रिस्पेक्टफुल वे एंड फॉलो द रूल्स एंड प्रोसीजर. Everyone in court, including lawyers, witnesses, police officers, and the public must conduct themselves according to the court rules. The court rules kya hai? Court rules bunyadi taur par ek bilkul holistically jab hum dekhein to wo ye hai ki jab aap adalat ke andar jaye to ek adalat ki takreem hai, taqeer hai, jisme uske aap andar unchi nahi bol sakte. Aap apne mobile phone par wahan par videos nahi dekh sakte. Ab to khair riwaj aa gaya ki judges nahi kuch kehte aapko phone dekhne par, but ek time par to phone istemal karne par bhi pabandi thi ki aap dekh bhi nahi sakte the. चलो अब लोग अपने मैसेजेस वगैरह बहुत कुछ चीज़ें पढ़ रहे होते हैं. सिमिलरली कोर्ट्स के अंदर एंटर होके आप एक दूसरे से ऊंची ऊंची बातें नहीं कर सकते. कुछ सीनियर वकला करते हैं जिनको इजाज़त दे दी जाती है, बोला नहीं जाता, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि जूनियर वकला भी हंस रहे हैं, गपशप मार रहे हैं. प्रॉब्लम यह है कि जो जज उस तरफ बैठा हुआ है, एक तो आपने वो उसको जो एक इंपॉर्टेंस देनी है या उसको रिस्पेक्ट देनी है वो तो अपनी जगह, बट आप खुद सोचें कि अगर मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ बीच में 10 लोग आपस में गप्पे मारे, मेरा सीरियसनेस का लेवल क्या होगा. सिमिलरली जजेस की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है. मैंने अपने तजर्बे में ये चीज़ देखी है कि व्हेन यू आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, व्हेन यू आर नॉट गिविंग ड्यू यू नो इम्पॉर्टेंस टू दैट कोर्ट और दैट जज, एट द एंड ऑफ द डे उस जज की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है. वो कहता है जी मैं पता नहीं कहाँ बैठा हूँ, देन ही ट्राइज टू बी अ डिफरेंट पर्सन टू मेक श्योर कि वो आपकी अटेंडेंस अट्रैक्ट करे. उसमें भी फिर एक्सेसेस हो जाती हैं, कोई जज साहब ज़रूरत से ज़्यादा फ़नी हो जाते हैं, कोई जज साहब अजीब बातें करते हैं, कोई जज साहब वकील से सख्त हो जाते हैं. ये सारे के सारे अटेंशन सीकिंग तरीके हैं जिनसे वो अपनी कोर्ट की अटेंशन सीक करते हैं. और जब जज फील करता है कि एवरीबडी इज़ अटेंटिव और हर बंदा मेरी बात सुन रहा है और मेरी बात के ऊपर बड़ी तफसील से टाइम दे रहा है, तो वही जज फिर आप देखिएगा कि केस के ऊपर, मिसाल जैसे सुप्रीम कोर्ट की एग्जांपल है, सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ बहुत कम होती है कि कोई बंदा कोर्ट के अंदर उसकी तौकीर या तकरीम जो है उसको किसी तरह वायलेट करे. तो वहाँ पर बाय एंड लार्ज विद एन एक्सेप्शन ऑफ फ्यू जजेस बिहेव बहुत अच्छा करते हैं, दे कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द केसेस. सो ये इट वर्क्स बोथ वेज. उसके बाद जी हम आगे चलते हैं, ड्रेस कोड एंड कोर्ट अपीयरेंस. नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं है कि आपका यूनिफॉर्म महंगा हो और आपने कोई गुची अरमानी के कपड़े पहने हो. ड्रेस कोड प्राइमरीली मींस कि आपका जो प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड है, जिस तरह लेट्स से आपका यूनिफॉर्म है, आजकल सर्दियां हैं, यू हैव टू वेयर अ स्वेटर एज वेल, प्रेफर वेयरिंग अ ब्लैक स्वेटर. लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैंने जिस तरह यूनिफॉर्म के रंगों का आपको एग्जांपल दी, इस तरह मैंने हर रंग का स्वेटर देखा है हाई कोर्ट में, वो मुनासिब बात नहीं है. पीपल आर वेयरिंग ओवरकोट्स, अच्छी बात है, सर्दी है, यू अंडरस्टैंड, but that doesn't mean that you start wearing a yellow overcoat or a red overcoat. You have to wear black so that aap uski jo basic spirit hai usko alive rakhe. afzal baat to ye hai, yani important baat to ye hai ki aap ye cheez follow na kare aur actual uniform ko stick kare. but agar aapko kisi cheez ki zarurat hai to usko apne realm ke andar rakhe. ek zamane mein to ye bhi hota tha ki laces ke alawa jo shoes hai unko bhi itna pasand nahi kiya jata tha. chale, that is a very strict interpretation of your uniform. so uniform has to be very very appropriate. फिर एक बड़ी कॉमन चीज़ जो आजकल यंगस्टर्स में मैं देख रहा हूँ, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, कि टाई सीधी जगह रहने के बजाय हर जगह होती है, लेफ्ट गई हुई है, राइट गई हुई है, बटन खोला हुआ है आपने. इट गिव्स अ वेरी वेरी बैड इम्पैक्ट. आई कैन अश्योर यू कि इफ़ यू थिंक फ्रॉम अ जजेस पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत गंदा इंप्रेशन देती है. और उसमें इंप्रेशन इस किस्म का आता है कि एज इफ आप कोई ऐसी चीज़ वायलेट कर रहे हैं और दीदा दानिश्ता तौर पर जान के वायलेट कर रहे हैं, जो कि फिर उसको जज को अर्क करती है. फिर यू हैव टू लुक प्रोफेशनल थ्रू योर अटायर एंड टर्न आउट क्लीन नीट टाइडी. अब ये यूनिफॉर्म से बाहर निकल के आ जाते हैं क्लैनलीनेस. अहमद साहब के वालिद साहब की एग्जांपल मैं देता हूँ. इज परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस वी हैड इन लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस मलिक कयूम साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और बड़े कमाल शख्स थे, हम सब ने उनसे बहुत सीखा. उनकी कोर्ट में एक वकील साहब ये फ्रेंच बियर्ड रख के एंटर हो गए.
सो द मोमेंट ही एंटर द कोर्ट तो मलिक साहब कहते हे यू गेट आउट ऑफ माय कोर्ट. अच्छा उसको ये भी नहीं बताया कि किस वजह से कहा, बट द लॉयर न्यू एंड ही डिड नॉट अपीयर दैट डे. नेक्स्ट डे अपनी दाढ़ी शाड़ी शेव करके आया और फिर जज साहब ने कहा कि या तो दाढ़ी रखो प्रॉपर पूरी जो एक तरीकाकार है जिसके खत बात ये वो, ये तुम क्या करके आ गए हो मेरे कोर्ट में. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जो ट्रेडिशनल जजेस थे वो कितना स्ट्रांगली इन्फोर्स करते थे इन चीज़ों को. इसी तरह मैं देखता हूँ कि जो मर्द हजरात हैं उनके लिए कोई शेव करने का नहीं पता जी, दो दो दिन की शेव है. और जब जज पूछते हैं तो मैंने एक दफ़ा वकील साहब को कहा जी मैं दाढ़ी रख रहा हूँ. जज साहब ने कहा मैं अब अगले एक महीना आपको डेली देखना चाहता हूँ कि आप दाढ़ी रख रहे हैं कि ये आप आज शेव करना भूल गए थे. एंड देन यू कम अप विद दीज अब्सर्ड रीजन. सिमिलरली खवातीन के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, मेरी दिस अ वेरी गुड लॉयर, अगर उसको कभी मौका मिले आपको बल्कि मोहम्मद भाई को रिक्वेस्ट करूँगा उनको भी कभी लेक्चर के लिए बुलाएं, बैरिस्टर सारा बिलाल एक्सेप्शनल वकील हैं. वो हमेशा कहती होती हैं कि आपकी जो अटायर है विदाउट कमेंटिंग ऑन के आप उसकी क्या कहते हैं हाउ हम्बल इज इट इज़ और नॉट, बट जिस तरह लेट से बाल हैं मेक श्योर यू टाई देम, देर इज़ अ पोनी टेल, देर इज़ अ वर्किंग पोनी टेल कॉन्सेप्ट. यू आर नॉट अपेयरिंग इन कोर्ट या आप आदमी और औरत दोनों के केसेस में, इट इज़ नॉट अ फैशन शो, इट इज़ नॉट समथिंग जिसके अंदर आपने एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरीली तैयार होकर जाना है. और ये मर्द और औरत दोनों के लिए अप्लाई करता है. सो मेक श्योर इट गिव्स अ प्रोफेशनल लुक कि आप कोर्ट में केस आर्ग्यू करने आए हैं. एक्स्ट्रा जो आपकी चीज़ें हैं जो कि आप आमतौर पर लेट्स सी दैट यू कैरी टू अ डिनर और सम लंच, वो आप मत कैरी करें. बैग्स हैं और सारी एग्जांपल्स हैं. फिर खवातीन के केसेस में जो अप्रोप्रिएट शूज़ हैं जिनको आई थिंक मुझे तो उनको नाम प्रॉपर लेना नहीं आता, जो फ्लैट्स जिनको पम्प्स बोलते हैं फलाना, अवॉइड हील्स बिकॉज वैन यू एंटर कोर्ट विद हील्स तो टक टक की आवाज़ आती जिससे कोर्ट सारी की सारी एक तो आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाती और दूसरा सारी की सारी कोर्ट डिस्टर्ब हो जाती है. अब ये मकसद इन चीज़ों को कमेंट करना ये नहीं है कि इन चीज़ों को मैं ज़ाती तौर पर सही या गलत समझता हूँ, बट उस एटमोसफेयर के लिए दीज थिंग्स आर नॉट अप्रोप्रिएट. देन आई हैव ऑल्सो सीन फीमेल लॉयर्स वेयर वेरी फनी सॉर्ट ऑफ कोट्स. कोर्ट कोर्ट है उसकी भी एक ही डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन को आप करें. अगर आपने मॉडर्नली ड्रेसअप होना है यू ट्राइंग टू वेयर ट्राउजर्स और दैट्स इक्वली एक्सेप्टेबल, अ लॉट ऑफ फीमेल्स डू दैट 100%, बट ब्लेंड ना करें उसका और उसका वो मर्जर ना करें कि पता ही ना लगे कि आपने क्या पहना हुआ है. या आप अपना लोकल यूनिफॉर्म जो पहने शलवार कमीज वो उसका तरीका लिखा हुआ है सारा प्रिस्क्राइब्ड है. इसी तरह जो मेल सॉरी मॉडर्न पहनना है वो पहन लें जो वेस्टर्न जिसको हम बोलते हैं. मर्द हजरात के लिए भी आपकी फिर हेयर कट्स आप बड़े बाल रखें छोटे रखें उसमें कोई, बट इट मस्ट लुक नीट. ये नहीं है कि आप कोर्ट में हैं तो ऐसे लगे कि आपके सर में बम फटा हुआ है और आप बिल्कुल परेशानी से ऐसे खड़े हुए हैं, वो जजेस भी आपको सीरियसली नहीं लेंगे. सो दे मस्ट बी नीट एंड टाइडी. प्रेफरेबली कोशिश करें कि अगर आप अपने आप को इस तरह की हालत में कोर्ट में लेके जाएं कि जज को लगे कि आप नहा धो के आए हुए हैं. ये नहीं है कि आपको कुछ सजेस्ट कर दे कि आप आज पहले अदालत से सबसे पहले जाके तो नहाना शुरू करें ताकि यू लुक नीट एंड टाइडी इन कोर्ट. देन टाइमलीनेस इज अ बेसिक कर्टेसी टुवर्ड्स अ प्रोफेशन एज अ लॉयर. वेयर गाउन इफ रिक्वायर्ड इन कोर्ट. बहुत सारे वकील हजरात गाउन्स के बगैर अदालत में चले जाते हैं, एक गाउन के बगैर अदालत में चले जाते हैं फिर अदालत में जाके गाउन पहनते हैं. ये दोनों चीज़ें गलत. आप पहली तो बात है गाउन अपना पहन के जाइए. टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली तो गाउन शुड नॉट बी वोन जब आप दफ्तर से निकलते हैं. हम सारे पहनते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम नहीं पहनते. गाउन आप अदालत में एंटर होने से पहले पहनते हैं और अदालत से निकल के उतार देना चाहिए. ये नहीं कि आप गाउन पहन के सारा दिन फिरते रहे. जो द रूल्स एंड एटिकेट्स हैं जिन जहाँ से ये बेसिकली बोरो किए गए इंग्लिश ट्रेडिशंस वहाँ पे तो ये है, लेकिन हम सर्दी के लिए भी उसको यूज़ करते हैं सो वी कीप वेयरिंग इट द होल डे. सो गाउन को कोर्ट के अंदर ना पहने बल्कि कोर्ट के अंदर पहनने के अलावा तो हमारा एक अभी रिसेंटली बड़ा इंपॉर्टेंट केस भी हुआ था जिसमें बड़ी लड़ाई झगड़ा और ये सब वो सारा एक गाउन से शुरू हुआ था. सो अगर उसको उस चीज़ पर आप लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी कबाहतें हैं जिनसे आप बच सकते हैं. अब आ जाते हैं जी इनसाइड द कोर्ट रूम. आप कोर्ट को बहुत कर्टियसली ऑब्जर्व करें. और एक मैं चीज़ जिससे मुझे शदीद इख्तलाफ है कि जज बात कर रहा है तो साथ, और अगर वो लेट से आपके केस को वो चीज़ सूट नहीं कर रही, ये इतनी ऑब्नॉक्शियस चीज़ है और बहुत सारे वकील हजरात करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे अगला केस उनका अपना होता है. तो उनको होता है ये प्रिंसिपल वहाँ पर और तरह अप्लाई करें. वो नहीं करेगा, उसने जज ने कानून पढ़ा हुआ है, उसने एलएलबी भी की हुई है, उसने वकालत भी की हुई है, उसको आइडिया है. ये तो नहीं वो कर सकता कि एक केस के फौरन बाद वो केस डिफरेंटली अप्लाई करे रूल. सो मेक श्योर यू कैन स्माइल, वो भी मेरा ख्याल अवॉइड करनी चाहिए. बट चलो अगर कोई जज ऐसी बात कर देता है, बट डोंट गेट सुपर एक्साइटेड एंड ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर दें जज साहब ने को बात की. नो नो, यू हैव टू
सिट इन द कोर्ट वेरी कर्टियसली, सिट अप स्ट्रेट इन अ गुड पॉस्चर. ये नहीं है कि वकील ऐसे बैठा हुआ टेढ़ा होके सोया हुआ है. अ लॉट ऑफ पीपल स्लीप नाउ इन कोर्ट. दिस आई बिलीव दिस प्रिविलेज इज ओनली फॉर द ओल्डीज. वो भी अगर चाहें, बट हमारे लिए सर्टनली दिस इज नॉट देयर. अननेसेसरी रिमार्क्स मत दें. मसलन कोई जज साहब ने बात की तो उसमें अजीब सी बीच में अपनी हल्की सी आवाज़ में बात कर दी है या कोई पॉइंट मार दिए. ये आप अदालत में बैठे हुए हैं या आप अपने दोस्तों या अपने जिसे कहते हैं एज मेट्स में नहीं बैठे हुए. प्लस वो अंग्रेज़ी की बड़ी मशहूर मिसाल है कि स्पीक व्हेन यू स्पोकन टू. तो अगर आपसे बात हो रही है, आप बात का जवाब दें. फिर एक बहुत अजीब आदत है, केस हो रहा है तो हाथ ऐसे खड़ा करके तो जजमेंट बता देते हैं. जज ने पूछना होगा आपसे, पूछ लेगा. इसको, इस बिहेवियर को हमारे कॉलेज में हम कहते थे एफिशिएंट. उस बंदे का उल्टा कितना नुकसान भी हो जाता है और बहुत सारे जजेस जो हैं पसंद नहीं करते इस चीज़ को. लेकिन स्टिल आप कोशिश कीजिए कि आप इसको जिस हद तक अवॉइड कर सकें. डोंट विस्पर एंड और यूज़ फ़ोन. अब यूजिंग द फ़ोन पे एक मेरा ख्याल डिस्पेंसेशन ये ज़रूर हो सकती है कि आप फ़ोन अपने किसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मुंशी से कोऑर्डिनेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या अपनी किसी कोई जजमेंट पढ़ रहे हैं, तो वो बात और है. लेकिन आप अगर विस्पर करेंगे वो एक सेपरेट चीज़ है. दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन. उसको आपको अंडर एनी सर्कमस्टांसिस अवॉइड करना है. अच्छा, फ़ोन में भी अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ गई है. जिस तरह आई यूज़ एन आईपैड, मुझे उसका बेनिफिट ये है कि मैंने बल्कि अब आई थिंक मोहम्मद भाई को भी देखा है और भी कई वकला को देखा है, दे यूज़ आईपैड्स. आईपैड्स के बुनियादी फर्क फ़ायदा ये है कि हमारी वकला के अंदर एक आदत है कि हम एक किताब खरीदते हैं अगर 2016 में या अगर 1982 में किताब खरीदी तो हम समझते हैं कि वो 2024 में भी वो किताब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. वेयर एज लेट्स से कस्टम्स है, इनकम टैक्स है, ये तो मंथ्स की बेसिस पर चेंज हो रहे हैं. सो विद द आईपैड यू कैन डिलीट द ओल्ड स्टैचू एंड यू कैन डाउनलोड द लेटेस्ट थिंग. फिर आप लॉ साइट भी देख सकते हैं. प्लस आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं ये इधर उधर बातें करने से. और मैं मतलब आई डू अ लॉट ऑफ रीडिंग ऑन द आईपैड. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज वो जस्टिस फैज ईसा साहब का तफसीली फैसला था, कोर्ट में बैठे हुए थे, वी वेटिंग, पढ़ लिया. डिजिटल होता है, उसके ऊपर और दो तीन चीज़ें आपने कर ली, दैट इज़ एक्सेप्टेबल. इसी तरह जो फ़ोन है उसको अगर आप कहीं, बट अगर आपकी फ़ोन रिंगटोन बजती है, आपके फ़ोन की चीज़ें बजती हैं, तो ये फिर जज साहब इस पर डेफिनेटली. और एक ऑन अ लाइटर नोट, वी वर सिटिंग इन कोर्ट वंस, तो एक वकील साहब से गलती से कोई वीडियो प्ले हुई तो उसमें हो गया कि सोने नाराजगी तो नहीं, गल दिल दी जरे कह दें. तो वो जज साहब ने फिर आगे से उसे कहा कि जी कोई नाराजगी नहीं, लेकिन आपकी मेहरबानी है, इसको जरा थोड़ी देर आहिस्ता बंद कर लें. यू नो इट चेंजेस द मूड. ये तो गाना ऐसा था कि उसका मूड चेंज हो गया. अगर वो गाना ऐसा लग जाता तो जज साहब का मूड दूसरी तरफ भी जा सकता था. सो द बेस्ट इज टू अवॉइड एट एनी कॉस्ट. अच्छा जी, वेन इन कोर्ट, फिर आपका जो कोर्ट की तरफ एटीट्यूड है उसमें दो तीन बुनियादी बातें हैं. अब तो खैर हमारे नए चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि माय लॉर्ड, लॉर्डशिप और ये सारी चीज़ों से अवॉइड करें, क्योंकि अब हम ट्रेंड इस तरह हमारे लिए बड़ा मुश्किल है. बट ये एक दिस इज़ बट नेचुरल. और मैं आपको ये बात इसलिए भी बता सकता हूँ कि मुझे एक मौका मिला एज चेयरमैन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स पेमरा सर्व करने का फॉर 4 ईयर्स. और उस दौरानिए में मैंने देखा है कि जब आपको आके कोई हम्बली एड्रेस करता है, कुछ सर कहता है, और अगर कोई लॉर्डशिप कहता था तो मतलब दिल करता था फैसला ही अभी लिखवा दें उसका. सो दीज थिंग्स डू मेक अ डिफरेंस. सो वेन यू आर एड्रेसिंग द कोर्ट, और आप अपने जेन में ये मत कहिए, उस टाइम पे हम सारे का सारा मजहब जगा लेते हैं कि हम इसको लॉर्ड कैसे कह रहे हैं, फलां कैसे कह रहे हैं, और वो उसको नहीं कह रहे, वो आप उस ओहदे की तकरीम है जो कह रहे हैं. बट आप सर कहें, योर लॉर्डशिप कहें, बट हर जो आपका फोरम है उसके लिए डिफरेंट है. जिस तरह आप सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में सर बोलते हैं और हाई कोर्ट में योर ऑनर, योर लॉर्डशिप, इसी तरह माय लॉर्ड, इस टाइप की. मेक श्योर आप बड़ा डिसेंट दिखें. फिर बहुत कॉमन एक प्रैक्टिस शुरू हो गई है, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड. आर्ग्यूमेंट होता ही नहीं है, सारा माय लॉर्ड, माय लॉर्ड. माय लॉर्ड का मतलब है आपने यू एड्रेस्ड द कोर्ट, माय लॉर्ड दिस इज़ अ पॉइंट दैट आई विश टू मेक, और फिर अपना केस बोलते रहिए, फिर कहीं एम्फेसिस देनी है, फिर माय लॉर्ड कह दिया. बट आई सी टू मैनी लॉयर्स, गुड लॉयर्स, यूजिंग दिस टर्म वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड. यू गेट डिस्टर्ब, जो जज भी सुन रहा है. फिर यू हैव टू सिट देयर साइलेंटली, जिस पर हमने तफसील से बात कर ली. फिर यस, ये हमारे बहुत सारे वकला को एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है कि जी हमने झुकना नहीं है, हम कभी ज़िंदगी में किसी के आगे झुके नहीं, हम तो जी दीन के ऊपर कारबंद हैं. वंस अगेन वही वाली बात, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं. जैपनीज कल्चर में वो अपनी हर चीज़ के आगे दे बाव दाम, अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो बाव दाम. दिस इज़ जस्ट एन एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू आर एक्सटेंडिंग.
टू दैट पोर्ट, आप निकलते हुए, आप एंटर होते हुए, ये बेसिकली उस प्रोफेशन को आप जब आप किसी के आगे झुक के एक जेस्चर दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जेन में साइकोलॉजिकली उसकी रिस्पेक्ट और तकरीम बढ़ेगी। लेकिन अगर आप एंटर ही एक सुल्तानराय स्टाइल में हो रहे हैं तो फिर आप उस अदालत के साथ बिहेव भी उसी स्टाइल में करेंगे। सो दीज आर जस्ट रिमाइंडर्स, पोलाइट रिमाइंडर्स। देन आपके जो सीनियर मेंबर्स हैं, मैं देखता हूँ बहुत कॉमन हो गया है, सफ़ेद बालों वाले वकला खड़े होते हैं और यंगस्टर बैठा या फ़ोन पर लगा हुआ या बैठा हुआ। यू शुड नॉट सिट व्हेन देयर इज़ एन एल्डर हुज़ नेक्स्ट यू एनी स्टैंडिंग। उनको फ्रंट पर सीट्स दें, उनको इज्जत दें। ये आपको शायद बुनियादी तौर पर सब बातें बड़ी नॉर्मल लगें, बट ये ही वो लोग हैं जो फ्रटर्निटी में आपके लिए हु स्प्रेड अ गुड वर्ड, वो फिर जाके लोगों को कहते हैं कि जी फलां साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़ी इज्जत करते हैं। कोई आपकी एक्यूमन की तारीफ नहीं करेगा, मुश्किल होती करनी, बट ये ज़रूर कह देगा यार वो बड़ी तमीज़ से बात करता है। लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वंस अगेन मोहम्मद भाई की एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार जज साहब का बेटा है लेकिन जज साहब तो भी आगे चला गया, बहुत इज्जत करता है, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ सेंटिमेंट। यू नीड टू डेवलप दैट सेंटिमेंट। अगर आपका सेंटिमेंट ये बन जाए कि जी ये तो अपने वालिद साहब से सख्त है और ये तो किसी को लिफ्ट ही नहीं कराता, तो आप इस फ्रटर्निटी में जिसे हम कहते हैं परसोना नॉन ग्राटा बन जाएंगे और आप फारिग हो जाएंगे, आपको कोई बंदा यहाँ पर मिलेगा नहीं। और इस फ्रटर्निटी में एक चीज़ आके सीखी है कि अगर आप बहुत अच्छे वकील भी हैं लेकिन अगर आपकी वकीलों से नहीं बनती तो आपका काम नहीं चल सकता। आपको वकील, आपके कॉमरेड्स, आपके जो कॉलीग्स हैं वही वकील बनाते हैं और वही आपको सर पर उठाते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं उस दिन इलेक्शन मैटर्स कर रहा था, तो मैं इलेक्शन मैटर्स करके घर आ गया, तो दो दिन बाद मैंने कोई अपनी वीडियो देखी, बल्कि सॉरी मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर भेजी, तो एक वकील साहब कोर्ट में थे, उन्होंने मेरे से तीन दफ़ा पूछा कि सर मिस डिक्लेरेशन है तो मैं क्या, मैं कि ये जजमेंट है फलां, ये मुझे जो जो पता था मैंने उसको बता दिया। उसने बाद में गुजरांवाला बार एसोसिएशन में तकरीर करते हुए मेरे पूरा नाम लेके कि जी एक यंग लड़का था जिसके बारे में मेरा व्यू ये था कि वो बड़ा औखा है, सख्त है, लेकिन मैंने उसको मिला तो वो बड़ा अच्छा। अच्छा, अब वो वीडियो उसने बनाई, उससे अगले दिन मुझे 5 से 6 लोगों ने इंगेज कर लिया फॉर इलेक्शन मैटर्स, चूँकि चल रहे थे ऑन टू। ये मैं आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो कि मेरा अपना है मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक आदमी की ये रेपुटेशन निकलती है कि वो एक हम्बल है और शरीफ आदमी है और बड़ा इज्जत से बात करता है, वो एक बहुत काबिल वकील से अच्छी रेपुटेशन है। और पाकिस्तान का कोई भी काबिल वकील अगर हम्बल नहीं है तो उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं बन सकती। आप चौधरी एतजाज़ साहब का नाम ले लें, एस एम जफर साहब मरहूम का नाम ले लें, वसीम सजाद साहब का ले लें, सलमान राजा साहब का ले लें, इनको जहाँ मर्जी आप हाईकोर्ट में मिलें दे आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू। सो ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। फिर नो द कोर्ट रूम एट द टाइम व्हेन योर मैटर इज ड्यू टू बी कॉल्ड। अब इस पर भी कोशिश तो कर रहे हैं कि बात ऐसी की जाए कि कंप्यूटर्स पर लग जाए ताकि आपको आइडिया हो आपका केस कब कॉल होना है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपका अर्जेंट मैटर है और आप 11:30 बजे कहें जी मैं तो लेट हो गया। अर्जेंट मीन्स कि 9 बजे उसने बैठना है, जज ने 9:30 तक बारी आ जाएगी, अनलेस कि कोई जज स्लो है 9:45 तक आ जाएगा। यू शुड बी वेरी ऑफ द टाइम दैट यू हैव सेलेक्टेड और किस टाइम पर आपने जाके ये बात करनी है। फिर यू शुड बी यू नो शुड बी अलर्ट टू द कॉल ऑफ योर केस बाय द कोर्ट ऑफिसर। कई दफ़ा होता है हम देखते हैं वकला केस कॉल हुआ हुआ है तो जज साहब को देख रहे हैं, वो जज साहब कह रहे होते हैं कि शेख साहब, मियाँ साहब, फलाना साहब आपका केस है आ जाए, तो दैट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन का बड़ा एक फ़र्क पड़ता है। हम चाहें या ना चाहें, हम जितनी मर्जी तफसील में जाके, अब आपके सामने आप लाइव कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की और आप वहाँ देख रहे हैं कौन से वकला कामयाब हैं। तमाम वो वकला कामयाब हैं जिनको बेसिक्स के ऊपर अपोर्ट, जो इज्जत से बात करते हैं। मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ ज़ैर करामत भंडारी साहब की, उनको 2-3 मौक़ों पर बड़ी वहाँ इज्जत मिली है। वाई? बिकॉज ही वॉज प्रिपेयर्ड, ही वॉज वेल ड्रेस्ड, ही न्यू द कोर्ट एटिकेट्स, ही न्यू व्हेन टू असर्ट, ही न्यू कहाँ पर कौन सी बात करें। अब अगर चीफ साहब उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये बताएं, वो ये नहीं कह रहे कि नहीं ये मैं बाद में बताऊँगा, पहले मेरी अगली बात सुनें। ये सारी बातें आप जब करेंगे ऑटोमेटिकली बेंच आपके साथ चलेगा, बेंच को साथ लेकर चलना है। फिर हैव योर पेपर्स इन ऑर्डर एंड इन अ क्लीन एंड टाइडी मैनर। अब वहाँ पर कई दफ़ा हम बड़ा कॉमन देखते हैं कि फाइल खोली हुई और ऐसे ऐसे हवा में पेपर्स जा रहे हैं और परेशान है वकील ये। वाई? बिकॉज उसके पास उसका स्केलेटन आर्ग्यूमेंट ही नहीं, उसके पास ही इज नॉट इन पोजेशन ऑफ अ स्मॉल डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स और दैट समराइजेज हिज केस। मसलन होता क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आई डोंट नो आप लोगों में से कितनों की एक्सपीरियंस है ऑफ अपेयरिंग इन कोर्ट्स या जाने की। कोर्ट जाके खड़े हुए हैं, इम्प्यून्ड ऑर्डर किस पेज पे? अब वकील साहब तैयारी करके गए होते हैं कि जी मैंने पहले तो तफसीली फैक्ट्स बताने हैं,
फिर मैं यहाँ जाऊँगा, फिर मैं वहाँ जाऊँगा। जज साहब सीधा कहते हैं इम्प्यूंड ऑर्डर पढ़े पेज 9 पे, उसके पैरा 3 पे आ जाए। अब ये तभी पॉसिबल है अगर आपको आपकी फाइल अच्छी तरह पता है और आपको ये पता है कि पेज 9 पे इम्प्यूंड ऑर्डर कहता है क्या। लेकिन ये वो वाली बात है कि जी उस सवाल का जवाब, वो सवाल करें जिसका जवाब इस्लामाबाद है, ऐसे नहीं होता कोर्ट में। कोर्ट में आपसे अचानक क्वेश्चन होगा, जज ने फाइल पढ़ी हुई या नहीं पढ़ी। वैसे भी उनको डेमोन्स्ट्रेट करने का शौक होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करें कि वकील को लगे कि जज साहब तो कमाल, और पीछे जो गैलरी है दे ऑलवेज प्ले टू द गैलरी कि ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब उसको काउंटर करने के लिए आप ये नहीं कर सकते कि आप उस तक पेपर्स, एक तो टैग्ड होनी चाहिए आपकी फाइल, फिर आपकी फाइल जो है, मतलब मैं आई टेल यू, मैं जब अपने स्केलेटन आर्गूमेंट्स बनाता हूँ तो उसमें जब कोई पॉइंट लिखता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ कि देर इज़ नो मेंटेनेबिलिटी या फलां, तो उसके आगे पेज नंबर लिख लेता हूँ पिटीशन कि माय लॉर्ड दिस ऑन दिस पेज लेट्स से 23 दिस इज पैराग्राफ 3 माई रिस्पॉन्स टू दैट इज दिस। जजेस को भी जल्दी चाहिए बिकॉज आपके सामने पंजाब के जजेस तो बहुत जल्दी में, इस्लामाबाद थोड़ा सुकून है, सिंध भी सुकून है, पंजाब इज इन अ हरी। तो वो आप तभी कर सकते हैं अगर आपकी पेपर्स और ये सारी चीज़ें रेडी हैं। फिर बी ऑनरेबल एंड प्रोफेशनल इन द कोर्ट रूम, तरलों पे नहीं आना, लेट नहीं जाना कोर्ट में कि आपकी अगर खुदा ना खास्ता रिलीफ नहीं मिल रही, अपील में मिल जाएगी। जज कई दफ़ा आपको उस लेवल पर ले जाएंगे जहाँ पर वो चाहेंगे कि आप बिल्कुल मिनतों तरलों पर आ जाए, नहीं करते। आपने अपना केस आर्ग्यू करना, आपने बात वो करनी है जो कानून और आइन के मुताबिक और डिसेंटली आप कर सकते हैं। या आप बहुत सारे वकला को आदत पड़ गई, माय लॉर्ड आई एम स्टेटिंग एट द बार, स्टेटिंग एट द बार मींस कि मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मैं तो ऐसे ही था, मैं तुझे अपने क्लाइंट के साथ खुद गया था, ये बातें नहीं करनी आप। स्टेटिंग एट द बार मींस जैसे आप एक वीडियो गेम खेलते थे ना, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार होता था जिसके थ्रू आप सारी जो एक एपिसोड है उसमें निकल जाते हैं या स्टेज से। इट्स लाइक अ स्टार दैट यू कैन यूज़ जब कोई आपकी अपनी इंटेग्रिटी पे बात आ गई है तो आपको ऐसी बात कर दी जज ने या कुछ थी जहाँ पर यू हैव टू यूज दैट। ये नहीं कि सर मैं अपने क्लाइंट के साथ थाने पे गया था, आई एम स्टेटिंग एट द बार। नो, आप सबमिशंस करें और कह दें इन अ डिसेंट वे कि सर आई कैन ओनली सबमिट, हाउएवर योर लॉर्डशिप हैज़ टू डिसाइड, बट दीज आर माई सबमिशंस एंड माई रिस्पेक्टफुल सबमिशन, सो प्लीज़ अलाउ मी टू मेक माई सबमिशन। फिर आपके साथ लेफ्ट साइड पर वकील खड़े होते हैं, आप बहस करें, कई दफ़ा इंटरजेक्ट करते होते हैं, उसका एक बहुत डिसेंट तरीका हमने ये सोचा हुआ है कि अगर लेट से वकील साहब हैं तो हल्का सा ऐसे हाथ लगा के उनको पकड़ के रिक्वेस्ट कर ली, बट बोलना नहीं है। कई वकील हजरात बीच में शुरू हो जाते हैं, आप प्लीज खामोश हो, मुझे बात करने दें। नो, डोंट डू दैट। यू कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट कि माय लॉर्ड आई रिक्वायर कंप्लीट ऑडियंस एंड आई वॉन्ट टू मेक माई सबमिशन, सो प्लीज़ अलाउ मी टू। दो तीन दफ़ा कहेंगे हट जाएगा, यहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। सो यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब वैन यू आर मेकिंग योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही विल ट्राई टू इंटरजेक्ट, तो आपने वो भी अवॉइड करना है। फिर आप कोई अपोनेंट वाली बात है, शुड नॉट एक्ट और प्लीड इन मैटर्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट और एक्ट्स फेमिलियरिटी इन कोर्ट सो एज टू कास्ट डाउट ऑन योर इम्पार्शियलिटी। तो मतलब आप ऐसे, एक तो पर्सनली मेरा इस पर व्यू ये भी है कि वकीलों को अपने केस खुद नहीं करने चाहिए, मैंने वैसे किए हैं लेकिन आई हैव रियलाइज दैट बिकॉज आप जज्बाती हो जाते हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी मैटर्स कोई और या कोई आपके खिलाफ ऐसा इशू है, हायर काउंसिल, रिक्वेस्ट कर लें अपने किसी दोस्त भाई को, सारे पेश होने के लिए तैयार है। दूसरा, जहाँ आपका सेल्फ इंटरेस्ट है और आप उसको ऐसे आर्ग्यू कर रहे हो कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो, तो वो मत करें। अगर आप किसी वकील या क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर भी रहे हैं, ऐसे करें कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट शुड नॉट कम इन द वे। फिर यू शुड प्रिवेंट योर क्लाइंट फ्रॉम रिजॉर्टिंग टू अनफेयर प्रैक्टिसेस इनसाइड द कोर्ट रूम। अब क्लाइंट्स भी कई दफ़ा आपको रिक्वेस्ट करते हैं, जी मैंने भी दो तीन बातें कर ली, अगर उसने आपको हायर किया तो ही शुड नॉट बी डूइंग इट, जितना मर्जी उसका इम्पैक्ट। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ही कैन बी अनफेयर, डोंट डू दैट। लेट्स से कि जी मैंने रीडर को पैसे दे के लंबी डेटेंट डलवानी है, कोशिश करें मत करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करते लोग, बट आप मत करें, आपकी आहिस्ता आहिस्ता रेपुटेशन बनती है। बहुत सारे वकला की ऐसी रेपुटेशन है कि वो कोर्ट में कुछ कह के जाते हैं, जब निकलते हैं तो उनके मुंशी हजरात कुछ और कर जाते हैं, वो अच्छी रेपुटेशन नहीं है। कईयों की ये है कि जी जाली कागज़ लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं। दिस शुड नॉट बी योर रेपुटेशन, योर रेपुटेशन शुड बी, वो एक मैं हमेशा बड़ी मशहूर एग्जांपल देता हूँ, किसी ने पूछा कि एक अपहिल गाड़ी जा रही है, उसके अंदर ना इंजन है ना कुछ है, वो क्यों जा रही है? उसने कहा जो फोर्ड की गाड़ी है वो रेपुटेशन पर जा रही है। तो आप एक फोर्ड की गाड़ी बने जो अपनी रेपुटेशन पर चले, कि जब वकील साहब सामने आए तो जज साहब खुद कहें कि भाई आई नो ये हमेशा डिसेंट बात करते हैं और ये कभी गलत बात नहीं करते, आपकी बात को उनको वेरीफाई ना करना पड़े। आज सुबह एक खातून वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने पूछा आपने रिटर्न स्टेटमेंट में चीज़ लिखी हुई है? उन्होंने कहा जी मैंने लिखी हुई है। जज साहब ने कहा आई नो यू एंड आई ट्रस्ट यू एंड आई नो आपने किया हो।
लेकिन बहुत सारे वकील हैं वो फाइल पे कह रहे थे ये हमने लगाया हुआ, जैसा फिर भी कह रहे थे हमें दिखाएं। सो दिस इज योर रेपुटेशन दैट ट्रेवल्स इवन बिफोर यू आर एट द रोस्ट्रम। सो यू मेक श्योर दैट योर रेपुटेशन इज गुड, देन बी अवेयर ऑफ एडजर्नमेंट्स इन एडवांस। अगर आपको पता है कि कल किसी ने एडजर्नमेंट ली हुई है, ये बड़ा एक वीक सेक्शन है हमारे बुकला का कि हम मुंशियों पे छोड़ देते हैं सारा कुछ, और मुंशियों के साथ ये नहीं चेक करते कि अगले ने पैरावाइज कमेंट्स फाइल किए हैं नहीं किए, उसकी कोई एडजर्नमेंट तो नहीं लगी, सारी रात तैयारी करके वहाँ चले जाते हैं। ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप पहले पता कर सकते हैं। फिर आपका ईच जज, यू नो एवरी जज हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ कॉलिंग केसेस, कुछ बैंकिंग कर देते हैं, कुछ 11 बजे इतना करते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप कोर्ट में जाएं और आप जाके अच्छा जज सब 11 बजे डीबी के लिए उठ जाते हैं फलाना। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन शुड बी देयर सो दैट यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम व्हेन यू आर इन कोर्ट। नाउ एड्रेसिंग द कोर्ट, बी अवेयर ऑफ विच पार्टी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंड स्टे ऑन द अप्रोप्रिएट साइड। नॉर्मली प्लेंटिव पिटीशनर विल बी ऑन द राइट। सो ये आपको बुनियादी चीज़ बता दीजिए कि जब प्लेंटिव पिटीशनर एप्लीकेंट राइट पर होता है और लेफ्ट, क्योंकि जब आप आके खड़े होंगे जज उससे अंदाज़ा लगाएगा कि आप किस जगह की बात कर रहे हैं। सो वो कोशिश करें कि आप वहाँ पर हों, और ये भी आपको पता हो कि आप किस तरफ से पेश हो रहे हैं। कई दफ़ा वकील दूसरी साइड की बहस कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि वो क्या कर रहे हैं। और आपकी जो तैयारी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सपोर्ट में जो केस लॉ दे रहे हैं वो आपको सूट भी करता है कि नहीं करता। कि आपको किसी ने फ़ोन करके बताया है तो आपने कहा जी ये मैं केस साइट कर रहा हूँ, वो कई दफ़ा आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। देन यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज एंड प्रोफेशनल एट द बार टेबल, यू स्पोकन अबाउट दैट पहले। रिमेन साइलेंट व्हेन जज स्पीक्स, जज को इंटरजेक्ट मत करें। मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, अगर आपको मैंने क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन दिया है 5 मिनट 10 मिनट एंड में और आप बार बार बीच में पूछी जाएंगे सवाल, तो मेरा लेक्चर इफेक्ट होगा। या इसी तरह जजेस ने जो अपना एक वहाँ पर खुतबा देना है वो इफेक्ट होगा, तो उसमें डोंट बी द सोर्स ऑफ दैट यू नो इंटरजेक्शन, मेक श्योर कि यू अलाउ हिम। फिर स्टैंड प्रॉम्प्टली व्हेन स्पीकिंग टू अ जज, डू नॉट इंटरप्ट, जो हमने पहले बात कर ली है। डायरेक्ट ऑल योर सबमिशंस एंड रिमार्क्स टू द बेंच एंड नॉट टू द अपोजिंग काउंसिल। ये भी कई हजरात, एक तो अपोजिंग काउंसिल एक आजकल नया रिवाज है कि बहस करते करते पीछे भी देखते हैं कि भी मज़ा आया मेरी बहस का, यू नो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। यू आर नॉट देयर टू अट्रैक्ट प्रेज फ्रॉम पीपल सिटिंग एट द बैक। जजमेंट उन्होंने नहीं लिखनी, जजमेंट लिखनी उन साहब ने जो सामने बैठे हैं, उन्हीं को एड्रेस करें और उन्हीं से ही मांगें, वो आपको दे देंगे। ये नहीं हो सकता कि आप लेफ्ट और अपोजिंग काउंसिल को जब आप करेंगे तो वो ऑफकोर्स अफेक्ट होगा, गुस्सा करेगा। फिर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेन ट्रू टू योर पैरामाउंट ड्यूटी टू कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कि आप बीच में, एक और बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, जजेस आपको ट्रस्ट करते हैं। आप जजमेंट से पढ़ रहे हैं, लेट से आपने जज की कॉपी नहीं दी और वो आपसे ट्रस्ट करके पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ पर कह दें कोई वर्ड खुद ही ऐड कर दें, सो दी ऑफेंस इज मेड आउट, और आप कहते हैं इज नॉट मेड आउट, ही विल ट्रस्ट यू। उसकी बेसिस पर वो आपकी बेल अलाउ कर देता है, वो जजमेंट साइड कर देता है, कल को कहीं चली जाती है। वैसे तो वो देखते हैं मोस्टली, बट कई दफ़ा आपको ट्रस्ट कर देता है कि जी मैंने 1996 केस में ये पढ़ा था, वो प्रिंसिपल है। तो इस तरह की बातें मत करें जिसमें आपको नुकसान होने का चांस हो बाद में अपील में या फलाना। फिर टोन, वॉल्यूम और आपकी जो तेज़ी है, कई वकील बहुत तेज़ बोलते हैं। मेरा ये प्रॉब्लम था व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, इसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया, मेरा बार में भी बड़ा बुनियादी इशू था। कोशिश कीजिए कि आप बहुत तेज़ मत बोलें, बहुत ऊंची मत बोलें। लाउड होने में और ऑडिबल होने में बड़ा फ़र्क है, लेकिन चीखना नहीं है कोर्ट, क्योंकि वो भी आपको तंग करते हैं। फिर यू शुड यूज़ करेक्ट टर्मिनोलॉजीज एंड वर्ड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उधर अब आपको कई वर्ड्स जो बोलने ना आते हैं और आप पंगा ले लें उनके बारे में कि जी मैंने ये वर्ड बोलना ही बोलना है, तो डोंट से इट। एंड बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग, अभी उस दिन इलेक्शन के अंदर एक बहस चल रही थी, तो मेरे साथ एक अपोजिंग काउंसिल थे, हमारे दोस्त थे, वो जजमेंट पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते, बड़ी अच्छी पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते एक वर्ड आई थिंक आया एग्जास्परेट या कुछ इस तरह, तो मुझे कहते हैं चौधरी जी ये दसना वे की है कि क्यों पढ़ना है। अब वो जज साहब भी सुन रहे थे और जज साहब टिक ऑफ हो गए बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा ये आप लोग क्या कर रहे हैं। अब मेरा केस तो बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन चूंकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की ज़रा उनको हेल्प करने की, जज साहब मेरे से भी नाराज़ हो, ऐसे उन्होंने फाइल रखी। उन्होंने कहा ये क्या तरीका बात कर रहे हैं कि चौधरी जी मैंने दसो कि क्यों पढ़ना है। सो ही वॉज ट्राइंग टू बी फनी दैट अपोजिंग काउंसिल, बट डोंट डू दैट। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, नॉर्मली जो जिस तरह आपको समझ आती है उसको पढ़ दें। पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्ड, एक जजमेंट आप साइट करें तो उसका मतलब एक दिन पहले आपने पढ़ी होगी,
फिर गूगल आपके पास है, हर चीज़ की प्रोनाउंसिएशन आपको मिल जाती है. मेक श्योर यू रिमेन इन टच एंड अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट. देन आउटसाइड द कोर्ट रूम नेवर स्पीक ओपनली डिस्पैरेजिंगली ऑफ द जज. अंदर जनाब आर्ग्यू करके आए तो बाहर लेके मेरी कल गल हुई थी जज साहब, उन्होंने फिक्र ही ना करो. आपको एक बात बताऊं, जब आप किसी जज के बारे में रिमार्क देते हैं, ये मेरे साथ हुआ हुआ है, क्योंकि हम भी शुरू में बड़े जज्बाती थे, तो वो रिमार्क शाम से पहले पहले उस जज के पास होते हैं. क्योंकि जो हमारे दोस्त हजरात हैं वकला, कोई भी किसी की तरक्की से वो खास खुश नहीं होता, तो वही सबसे पहले जाके आपकी बता देते हैं, सर वो जज साहब वो तो आपके बारे में नहीं कह रहा था कि आप तो ये करते हैं. आगे से जज साहब का फिर रवैया क्या होता है, अच्छा चलो अगली बार आएगा तो मैं दस्तान. नो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आप बाहर निकलें, कोर्ट के अंदर की बात अंदर छोड़ के बाहर आ जाए और आके कहें कि जनाब बड़ा अच्छा केस हुआ. अब जज साहब के ऊपर वो कैसे डिसाइड, आपने एक दफ़ा ज़िंदगी में नहीं पेश होना. उसके बाद हम ये चीज़ें बड़ी वी लर्न इट द हार्ड वे. एक दो जजेस हैं हाई कोर्ट में, जब उनके आगे पेश होते हैं बड़ा मुश्किल होता है. बल्कि मैं रिसेंटली इमरान खान साहब के केस में इंगेज हुआ, तो मैं जब आर्ग्यू करने गया तो वो ऐसे जज साहब के सामने आ गया कि जिनके साथ मुँह मेरी नहीं बनती थी. तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, बड़े बड़े अच्छे आदमी थे और बड़े आदमी थे, वो चेंबर के अंदर गए और अंदर जाके कहा कि मैं ये केस रेफर कर रहा हूँ किसी और बेंच को, क्योंकि आपको मुझे पता है कल को आप ये इतराज़ करेंगे कि मेरी आपकी नहीं बनती. तो मैंने फिर उनसे जाके माजरत की कि जो नहीं बनने की रीज़न भी थी, मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ. सो बताने का मकसद ये है कि ये बातें ट्रेवल करती हैं, लोग नहीं भूलते. सो बी वेरी केयरफुल. फिर अपने वकील जो अपोजिंग काउंसिल है, उन्हें तो पैसे पड़े हैं समझी, ये बड़ी कॉमन चीज़ है. वो तुझे ये करके आया हुआ था, उसकी तो तैयारी ही नहीं थी. जब आप ये तो खैर मैं इस पर थोड़ा सा आई नो इट्स स्लाइटली ऑफ टॉपिक. ये एक कारमा एक ऐसी चीज़ है, जब आप कहते हैं ना किसी के बारे में कि यार बड़ा गंदा वकील था, तो विद इन अगले एक दो दिन के अंदर आपके बारे में 10 लोग ये बात कहते हैं कि यार बड़ा गंदा वकील. आपके पास दो ऑप्शन हैं. किसी ने आपसे पूछा कि यार लेट्स से फलां साहब कैसे वकील हैं, आप कहें बहुत अच्छे वकील हैं. आप ये नहीं कहना चाहते, आप बहुत ही ईमानदार आदमी हैं, तो आप साथ कहें कि जी मुझे पता. बट ये कहना कि जी बहुत थर्ड क्लास आदमी है, बड़ा गंदा आदमी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं. नहीं करना चाहिए आपको, ट्राई अवॉइड. और हमारी फ्रटर्निटी बड़ी स्ट्रांग है. हमारी फ्रटर्निटी में आपके पैसों से, आपकी वकालत से, आपकी काबिलियत या उससे नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ये एक दूसरे के अंदर बैठना उठना है. मोहम्मद भाई की मैं एग्जाम्पल बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि जब तक इलेक्शन वगैरह में नहीं आए हुए, तो ही वॉज ऑलवेज लाइक द टॉप. उस तरह अभी भी माशाल्लाह इज़ द टॉप लॉयर. लेकिन इसके अंदर आके उन्होंने रियलाइज की द रियल स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्रोफेशन, और वो है आपकी कॉमरेडशिप, आपकी दोस्ती यारी. थाना लिबर्टी में अगर आपको कोई मसला है, या आपको आजकल लेट्स से कोई इलीगल अरेस्ट में कोई पकड़ लेता है, तो किसी कॉर्पोरेट वकील ने वहाँ नहीं आना. वो तो आपको फ़ोन करके कहेगा जी मेरी तो जद्दे की फ्लाइट है, मेरी तो लंदन की फ़्लाइट है, कि वहाँ पर आपके दूसरे दोस्त आते हैं सारे. तो इसलिए उनके बारे में फजूलियात मत बोलें, या उनके बारे में ये मत बोलें कि यार वो तो बड़ा पेंडू था, उसको तो अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी. उससे फ़र्क नहीं पड़ता. मेक श्योर यू से समथिंग गुड अबाउट इट. फिर वही जो स्किल्स की बात हमने कर दी अपोनेंट की, नेवर मेक फॉल्स स्टेटमेंट टू एन अपोनेंट. झूठ ना बोले. मसलन उसकी बुनियादी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. डेट रखवाइए जी 26 की डेट रख, मैं तो 26 को उम्रे पे जा रहा हूँ और आप सुबह सुबह पाकिस्तान फिर रहे हैं. अगर उस बेचारे को 26 सूट करती है और आपको कोई मौत नहीं पड़ रही, तो आप कोशिश करें कि आप उससे एग्री कर लें. और अगर आप चाहते हैं कि 26 के बजाय 27 हो जाए, तो उसको रिक्वेस्ट कर लें कि मेरा केस है. बट झूठ मत बोलें, बिकॉज दैट ऑल्सो ट्रेवल्स, और वो बहुत बुरी तरह ट्रेवल करता है. बिकॉज वो जिस वकील को आप कहते हैं ना मैं 26 को उम्रे पे जा रहा हूँ, 26 वाले दिन आपके दफ्तर से पता करवाता है कि वकील साहब आज किधर हैं. वकील साहब का पता लगता है वो पर्ल कॉन्टिनेंटल बैठे खाना खा रहे हैं. सो कोशिश करें कि यू शुड बी ट्रूथफुल. फिर अग्रेसिव टोन और लैंग्वेज मत इस्तेमाल करें. ये जो तरीका कार है आर्ग्यू करने का, ये चीज़ें मत करें. हमें तो खैर ये इस पर पूरा एक लेक्चर दिया जाता था बार कोर्स में, कि आप जब बात करें तो आपकी जो हैंड एक्शन है, ये जो ये आपकी फेस को कवर मत करें, यू शुड बी वेरी रिस्पेक्टिव. अब ये एक्शन जो है ये डिसरिस्पेक्टफुल है, यही आप ऐसे करके बात कर रहे हैं तो ये इस्तदा में आ जाता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज. आप शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करें. हमने बार कोर्स में प्रैक्टिस की इन चीज़ों की, किस तरह बोलना है, हाथों को कहाँ ले जाना है, मेरा फेस तो नहीं कवर करे. फिर मुझे टीवी पर मौका मिला, तो वहाँ जाके मैंने रियलाइज़ किया अपनी वीडियोज़ देख देख के कि कौन सा बेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. ट्राई अडॉप्टिंग. आप यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स इज कि यू कैन चेंज एंड यू कैन चेंज टू योर बेटरमेंट. सो माइट एज वेल डू दैट. आप कोई वुडन एक पीस तो नहीं है कि आपने एक जगह खड़े हो जाना है कि जी मैंने तो गुस्से से बोलना है. मैंने वैसे गुस्से से रिलीफें मिलते नहीं देखी. इवन जो एक कहा जाता है कि बाहर के सदूर हों और वहाँ के बदतमीजी करें, वो भी नहीं करते. बहुत रेयर एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस है, कोई वकील का मामला हो तो वो हमेशा हम्बली है, ह्यूमिलिटी से ही आपको मिलता है.
तो इसलिए ये कोशिश करें. फिर पब्लिक डिस्कशंस अबाउट द केस, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, कि अपने केस को पब्लिक में मत लेके जाएं. एक आजकल बड़ी कॉमन चीज़ हुई हुई है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, कि अपने केस को इस तरह डिस्कस करना कि हाई कोर्ट की जीनत बनी होती है वो केस. सबको पता होता है कि जी ये भदौड़ा साहब का केस जो है ना, ये तो भदौड़ा साहब कह रहे हैं फलाना, वो आपके क्लाइंट का बेड़ा गर्क हो जाता है. वो घूमते घुमाते जज, वो जजेस शाम को जब ये टी ब्रेक पर दोपहर को बैठते हैं, तो हर जज ने जो जहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली होती है वो फिर एक दूसरे से शेयर करते हैं कि जी फलाना के आपके बारे में ये बात की. अब एक के बारे में बात हुई होती है, चार वैसे खिलाफ हो जाते हैं. सो वो इसी तरह अवॉइड डिस्कसिंग योर केस. देन डू नॉट ever make personal or worse make it appear to opponent that you have a personal interest in the case. My lord, मेरा जाती है, मेरे भाई का केस है, my lord, मेरी बहन का केस है, मेरी वालदा का केस है, नहीं कहना चाहिए. और अगर है तो आपको नहीं mention करना चाहिए. That means कि फिर तो आप justice को किसी ना किसी form में you're trying to affect it. So try and hire somebody. और ये मत कहें कि my lord, मेरा जाती matter है. ये बड़ा common एक sentence है. I completely disapprove of this, कि ये मेरा जाती matter है. फिर जनाब, नेवर लोअर योरसेल्फ टू द अदर पीपल्स लेवल, दैट इज हाउ दे विन. वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, बट इसका मकसद ये है कि अगर आपका अपोनेंट जो है वो घटिया हरकों पर आ रहा है, या गलत अल्फाज का चुनाव कर रहा है, या उसका जो कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड है, या कोई ऐसी बात कर रहा है विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ जेंटलमैन, दैट डज नॉट मीन कि आप भी उसी में आ जाए. आपका काम है अपना स्टैचर, अपनी डिग्निटी मेंटेन करना. फिर सिमिलरली अगर जज एग्रेसिव हो रहा है, बी फर्म, बट ऑल्सो रिमेंबर दैट ही विल एंड बी, यू नो, इन द एंड ही विल बी डिसाइडिंग द केस. सो अगर आप उसके साथ उसी तरह की बदतमीजी शुरू कर देंगे, तो जज साहब ने तो आपके साथ किसी ना किसी स्टेज पर केस फैसला करने, और फिर जजेस का स्टाइल ये हो जाता है व्हेन दे सी यू, लेट्स से वो आपसे कहते हैं. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मेरे साथ आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ. अजमत सईद साहब वॉज द चीफ जस्टिस इन लाहौर हाई कोर्ट. तो उन्होंने फाइल उठाई, उन्होंने कहा जी आप आर यू प्रिपेयर्ड. आई सेड माय लॉर्ड आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई विश टू आर्ग्यू विद यस. अच्छा, बहस करो. अब मुझे नहीं समझ आई कि वो नहीं चाहते कि मैं आज बहस करूँ. मुझे ने कहा जी बिल्कुल ठीक है. मैंने फाइल खोली, बहस शुरू कर दी. गारंटी किस पेज पे है? मैंने कहा जी सफ़ा 110. तो मैं याद ही नहीं. अच्छा, मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ. ये किस पेज? यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. दूसरा चांस दिया. मैं कहूँ माय लॉर्ड आई एम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड, आई वॉन्ट टू आर्ग्यू माई केस. फिर तीसरा चांस दिया. चौथे पर उन्होंने कहा यू आर नॉट प्रिपेयर्ड और फाइल, थैंक यू. और लिखा, लिखो ऑर्डर में कि द काउंसिल फॉर प्लेंटिफ बैंक हैज मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव हिज केस रीलिस्ट एंड हैज सॉट टाइम टू प्रिपेयर हिज केस. अब वो जारी बात है, प्लेंटिफ बैंक की ऑर्डर शीट जानी थी वहाँ पर, मेरे तो सारी वकालत फारिग हो जानी थी. सो देन आई वेंट अप टू हिम, जैसे जाकर सॉरी कहा कि जी मुझे समझ नहीं आई. उसने कहा व्हेन अ जज डजंट वांट टू हेयर यू, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड सीक एन एडजर्नमेंट योर सेल्फ. मैं नहीं सुनना चाह रहा था. अब ये वो चीज़ें जो आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं. आपको लग रहा है कि आप बहुत बॉर्डर लाइन पर हैं, कोई बात नहीं. जज का मूड नहीं अच्छा, आपका केस उस दिन प्रूव नहीं हो पा रहा आपसे, आप टाइम ले लें. हो सकता है अगले दिन एक डिफरेंट डे हो, बट दैट डज नॉट मीन इट शुड बी डन पीरियोडिकली और बड़ा रेगुलरली आप एडजर्नमेंट्स लें. बताने का मकसद ये है कि नो दाय जज, जिस जज के आगे आप पेश हो रहे हैं उसका रवैया, उसका जिसे कहते हैं महले वकू, उसका क्या जिसे कहते हैं अग्गा पीछा, वो सारा आपको पता हो. उस हिसाब से आप उस जज के आगे आर्ग्यू करें. फिर इफ योर अपोनेंट और हिज काउंसिल इज बीइंग रूड, डू नॉट एड्रेस देम, बट पॉइंट इट आउट टू द जज सो दैट ही मे रेगुलेट द मैटर. आप कह सकते हैं कि जज साहब आप ये देखिए मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, इनका रवैया देख लीजिए, मैं तो आई एम मेकिंग माई सिंपल सबमिशन. ये नहीं है कि खुद उसको सीधे होके, बिकॉज देन द जज विल ऑल्सो जज यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट. अच्छा जी, it is the duty, this is dealing with other counsels, but it is the duty of every advocate to uphold the dignity at all times and high standing of his profession as well as his own dignity and high standing as members thereof. We have already spoken about it in detail. An advocate shall not hire another person to take case on his behalf, nor shall he share with an unlicensed person or any compensation. ye aap dekhiye, ye badi important cheez hai. aajkal bada common hai vakilon mein ki vakil engage kara ke deta hai. ye aise hi hai ki main kisi doctor ke paas bukhar dikhane jaau, kya ho jata hai, main ko doctor ke paas le jaau. आप वकील हैं, आप रेफर कर दें, ठीक है जी मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, फलां के पास चले जाएं, बट आप केसेस बुक नहीं कर सकते उसके लिए आप पे. सिमिलरली एक अनलाइसेंस पर्सन जो है उसके साथ आप अपनी कॉम्पनसेशन शेयर नहीं कर सकते कि लेट्स से कि यू नो आप किसी ने केस दिया है ला के और आप आके उस पर कहते हैं कि जी मुझे आपने रेफरल दिया तो ये पकड़े जी. यू नो ठीक है, अगर आपको किसी वकील ने रेफरल दिए हैं, रेफरल भी चलती है, वो बात और है,
बट एक अनलाइसेंस बंदा जिसका ताल्लुक कोई नहीं, जिसको आप फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टाउटी की डेफिनेशन में आया, तो ये भी डिफाइंड है हमारे लीगल प्रैक्टिशनर्स बार काउंसिल एक्ट में, तो वो आप नहीं कर सकते। फिर एन एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट और एडवर्टाइज वर्क, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे प्रोफेशन की, जो कि हम नहीं रियलाइज करते और अब बहुत कॉमन हो गई है, जिसमें विद द इन्वेंशन ऑफ सोशल मीडिया जिस पर हम अभी आगे बात करते हैं, कि टिकटॉक पर खड़े हुए हैं, फेसबुक पर खड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि यू नो ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है कि आप रोड साइड लॉयर्स या एम्बुलेंस चेजर्स जिनको हम बोलते हैं। हमारी बड़ी डिग्निटी वाला प्रोफेशन है, ठीक है हमारे शायद प्रोफेशन में उतने पैसे नहीं जितने अमेरिका इंग्लैंड में होते हैं, बट अपनी डिग्निटी तो हमने मेंटेन कर ली, खुद रीच आउट करके लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, उनको कार्ड्स भिजवा रहे हैं। चलो समझ आती है आपके पूछी को किसी बंदे ने पूछा है या उस अपने तरीके से उसने बात की कि मेरे वकील साहब जो है वो ये काम करते हैं आगे, बट आप उनको फ़ोन कर करके कन्विंस कर रहे हैं कि जी आपने तो मुझे हायर करना था, या आप यू नो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट परमिसेबल। बट देन देर आर वेज ऑफ इनडायरेक्टली मार्केटिंग योरसेल्फ। आप किसी पैनल डिस्कशन में गए, आप अच्छा बोले, मैंने आपको एक एग्जांपल अपनी दी कि एक बंदे ने मेरी वीडियो लगा दी उसका, देन यू कैन प्रॉब्ली पीपल अपेयर ऑन टीवी, आपको वहाँ से केसेस मिल जाते हैं। बट ये नहीं है कि आप खुद मुंह से कहें जी कि मुझे वकील करें, वो जो है ना वो थोड़ा सा गैर मुनासिब चीज़ है। फिर इंट्रोडक्शन फीस आर ऑल्सो इलीगल, हाउएवर यू मे शेयर अ केस मीनिंग ही साइंस वकालत नंबर टू एंड शेयर प्रोसीड्स। इंट्रोडक्शन फी मैंने जिसकी भी पहले बात की है कि जी मैं आपको इंगेज करा के तो फी जो है पकड़ लूँ या इस तरह की बात करूँ, हाँ अगर आप वकालतनामा चाहेंगे, और कोशिश करें कि अगर आपको अच्छा केस आ गया और आप किसी सीनियर को इंगेज कराना चाहते हैं अपना वकालतनामा डालें। हमें अगर कोई इस तरह इंगेज करे और कोई वकील साहब इस तरह केस ले आए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये केस में अपना वकालतनामा भी साथ साइन करें, इसकी सारी लीगल रिसर्च करके मुझे दें, ठीक है पेश में हो जाता है, ताकि उसको ये एहसास हो कि उसने भी कुछ किया। मैं कल एक खातून वकील थी, वो मेरे से एक केस के ऊपर मशवरा करने आई हुई थी रिगार्डिंग द फैमिली केस था, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि उनको एक किसी केस की बात हुई तो उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन का केस है, मैं कहा आप वहाँ एक वकील को भेज दें, उसने कहा नहीं सर मैं खुद करना चाहती हूँ, मैं उस पर आजकल रीडिंग कर रही हूँ, तो आप मुझे बता दें कि इफ़ आई एम ऑन द राइट लाइन्स। मैंने सुना, मैंने कहा जी ठीक आप बिल्कुल बात सही कर रही हैं। सो तजस्सुस था, देयर वाज एवरी एफर्ट व्हिच वाज बीइंग मेड टू इंश्योर कि जनाब आपने उस केस की तैयारी करनी है, मकसद करना है, ये नहीं है, ये बेसिकली वही वाली जो जिस तरह रेफरल फी या एक जो डीलर हजरात जैसे करते हैं वो चीज़ नहीं है कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है या कोई ऐसी चीज़ बेचनी है, इसलिए चल रही अच्छा। देन यू शुड नॉट सुपरसीड, ये हमारे वंस अगेन प्रोफेशन में बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है, आके अगले के वकालतनामे पर वकालतनामा देते हैं और बड़े प्राउडली देते हैं, उसका NOC नहीं होता हमारे पास। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, हमने भी कुछ केसेस में इंगेज किया गया, अगर मुझे किया तो मेरी प्रैक्टिस ये है तो आई विल कॉल दैट लॉयर कि सर इस तरह मेरे पास ये साहब आए हैं, शुड आई मीट हिम, वो फिर आगे से खुद ही कह देते हाँ हाँ बिल्कुल मिलिए, मैंने इनको कहा था आपके पास चले जाएँ कोई बात नहीं एक्सेप्टेड, बेशक नहीं भी कहा, एंड देन यू टेल हिम कि सर मैं अगर जनाब की इजाज़त तो उसमें पेश हो सकता हूँ, सर आप एक मेहरबानी करके छोटा सा नोट लिखते हैं, अगर वो बहुत सीनियर वकील है वो कह देंगे बस मैंने आपको कह दिया ठीक है, बट रिक्वायरमेंट अदालत की है कि एक NOC होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आप बेसिकली वकालतनामे के ऊपर वो भी साइन करते हैं या एग्जैक्ट ये लिख देंगे आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, जज पूछेगा आपसे अगर सुपरसीड हो रहा हो एग्जैक्टली, तो वो आपसे या तो हम ये करते हैं कि उनसे एक नोट ले लेते हैं, एक लेटर ले लेते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स का, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप जिस तरह वकालतनामे की उन्होंने एग्जाम्पल दी है तो आप कहते हैं जी उन्होंने लिख दिया है कि ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू कंटिन्यू। सो ये सुपर सेशन वाला जो मामला है इसको भी आप करें। फिर हैव कॉपीज ऑफ जजमेंट्स एंड एप्लीकेशन फॉर ऑपोजिट काउंसिल, मसलन ये बड़ी कॉपी सॉरी कॉमन चीज़ है कि आप कोई अपनी चीज़ लेके जा रहे हैं, लेट्स से स्केलेटन आर्गुमेंट है आपके पास, एक तो जज के लिए उसकी कॉपी नहीं, तो जज साहब आपसे कॉपी जजमेंट भी मांगते हैं और आप अपने जजमेंट से खुद पढ़ रहे हैं। So if you are before a divisional bench, you should have 3 copies, one for yourself and 2 for the judges. Full bench hai, jitne judges hai. Taaki sab judges, they are on the same page. At least as far as that judgment is concerned, they are on the same page. Aur aapko sunen aur aapke saath chalein. Lekin humare yahan ye copy karwane ka rivaaj nahi, aur copies subah subah ho rahi hoti hai. Hum bhi shayad usme kisi had tak shamil hain. But subah subah copies nahi. Copies ek din pehle ho ke mark jo aapki pencil hai, file padi ho. Taaki subah jab aap court jayein, for some reason aap late ho jayein, तो आपकी हर चीज़ तैयार पड़ी हो। ये नहीं है कि आप सुबह कोर्ट में मुंशी को भगवा रहे हैं कि ये उधर किसी ने बताया जजमेंट, चलो कोई एक ऐसी चीज़ आपको सुबह पता लग जाए आप ऐड कर लें, बट योर बेसिक प्रेपरेशन शुड बी डन इवन बिफोर योर अपेयरिंग इन दैट केस। देन दिस इज बेसिकली नॉट ओनली जज इवन द अपोजिंग काउंसिल बट मेनली फॉर द जज, बी फेयर विद हिम, डू नॉट ट्रिक और मिसलीड हिम। ये हमने एक्चुअली पहले इस पर बात कर ली है कि आप जजमेंट को गलत तरीके से साइट करें,
गलत साइटेशंस बोल देते हैं लोग, और आगे से कई दफ़ा जजेस गलत साइटेशंस मान भी लेते हैं, नहीं चेक करते। लेकिन मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने एक साइटेशन बोली थी बिफोर जस्टिस बंदयाल, एंड ही सेड कि इसको दिखाइए मुझे, वो जब ढूंढने लगे तो नहीं मिली। मैंने भी ऐसी कॉमेंट्री से पढ़ी, सो रियलाइज कि जब तक आप जजमेंट निकाल कर उसको पढ़ नहीं लेते, और कई दफ़ा जजमेंट्स के अंदर जो एक एक जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटर डिक्टा और रेशो, रेशो होती है जो जजमेंट की बेसिक जिसके अंदर व्हाट हैज बीन हेल्ड और द मेन क्रक्स, ऑर्बिटर होती है जो एक ऑब्जर्वेशन है, तो वकील ऑर्बिटर को साइट कर रहे होते हैं। मसलन अभी ये इलेक्शन मैटर्स हुए हैं, इसमें प्रोक्लेम डिफेंडर्स के ऊपर एक जजमेंट साइट हो रही थी जिसमें डिविजनल बेंच की जजमेंट थी, और कहा गया था कि प्रोक्लेम डिफेंडर जो है उसको आप इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे सकते हैं। अब वो जिस जजमेंट में कहा गया था उसमें एक ऑर्बिटर था, इट वॉज नॉट हेल्ड इन दैट जजमेंट, लेकिन वो जब फुल बेंच के सामने आई तो जस्टिस जवाब ने कहा कि ये तो एक ऑर्बिटर है। सो इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए। अब लेट से आगे जज को भी नहीं पता और आपने साइड कर दी तो एक गलत फैसला हो गया जो कि अपील में जाके आपके लिए एम्बेरसमेंट बनेगा। देन आप अगर ये बड़ी कॉमन चीज़ है स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू अनदर सिटी कि आपने अपने केस में जजमेंट लेनी है, दूसरा वकील इस्लामाबाद पहुंच जाता है, उसको एक बड़ी सब्सटेंशियल कॉस्ट है जो इनकर करनी पड़ेगी। दिस अप्लाइज टू योर लोकल सिटी एज वेल, कि आप लाहौर में पेश हो रहे हैं तब भी बताइए ताकि वो अपना कोई और बेहतर काम कर ले, या ना आए या सुबह उसको कोई और काम है एंड वो आके उसको कॉस्ट पड़ जाती है। अब जस्टिस बाबर सत्तार तो ये करते हैं कि वो फिर पूछते हैं कि आपकी कितनी कॉस्ट है, 40,000 30,000, वो फिर दिलवाते हैं, कहते हैं जी बिल्कुल आप एक और जजमेंट ले लें लेकिन इनकी कॉस्ट दें पहले, जो इनकी ट्रेवल कॉस्ट है। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर दिस इज़ नॉट डीलिंग विद योर ओन क्लाइंट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह हम लोग क्लाइंट्स को, कई लोग हमारे भाई और बहनें डील करते हैं, वो बिल्कुल गैर मुनासिब रवैया, और उनके साथ अदालत में भी जो हमारा रवैया होता है, पीछे होके खड़े हो जाओ, इधर होके खड़े हो जाओ, फलाना हो जाओ, भाई ही इज़ इन कोर्ट, या तो आप उसे पहले बता दें उसने कहाँ खड़े होना है, फिर जब आपकी रही सही कसर होती है वो कोर्ट का प्यादा पूरी कर देता है, हाथ बांधो पीछे होके खड़े हो फलाना, वो अदालत में आया हुआ है, वो को अल्लाह माफ़ करे अल्लाह ताला की अदालत में तो नहीं आया हुआ है, तो उसको बिल्कुल ही आपने हिला के रख दिया है, और आपका बिहेवियर भी उसके साथ वैसा होता है। अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करता है मैंने बात करनी है, आप उसे बड़ा पोलाइटली कहें कि नो आई एम हेयर, या वो बता दें, लेकिन आप उल्टा कई दफ़ा मैंने वकील को देखा अपने क्लाइंट से लड़ना शुरू हो जाते हैं, डोंट डू दैट, ही शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। फिर यू मस्ट एक्ट इन हिज बेस्ट इंटरेस्ट। अब हो ये रहा है कि आप आर्ग्यू कर रहे हैं, करते करते जज साहब ने आपको किसी बात पर खींच दिया है, तो आप अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करके जज साहब से फुल लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या जज का, लेट से आपके क्लाइंट का इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ में है आपकी तैयारी नहीं है और आपको नज़र आ रहा है जज आपको उड़ा देगा केस को, एंड यू कैन गेट अ चांस, अवेल दैट चांस, बिकॉज आपकी किसी हरकत की वजह से उसका इंटरेस्ट ख़राब नहीं होना चाहिए, और ये भी बहुत कॉमन चीज़ है। फिर यू मस्ट मेक अ फुल एंड फ्रैंक डिस्क्लोजर टू योर क्लाइंट। कई दफ़ा हमारे वकील हजरात ये करते हैं कि वो दूसरी साइड को जानते होते हैं या उनको सारे केस का पता होता है। वंस अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि अभी रिसेंटली समबडी कंसल्टेड मी कि जी आप मेरा इलेक्शन मैटर करें। दूसरी साइड पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, वो एक रात पहले मुझे मशवरा कर चुका था इलेक्शन पर, उसी केस पर। मैंने कहा जी मैं स्टार्ट में आपको बता रहा हूँ आपका अपोनेंट मेरा जानने वाला है। नाउ देन इज अपोनेंट वंस अगेन कॉन्टैक्टेड मी, आई सेड कि तुम्हारा अपोनेंट भी मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, सो दोनों साइड्स का मैंने केस नहीं किया। अब कई लोग कर भी सकते हैं, बट होगा ये कि अगर आप वो केस कर लेते हैं तो जो पार्टी हारेगी वो आपके बारे में बहुत सारी बातें कर सकती हैं कि जिसने तो मेरा केस भी सुना हुआ था, इसने तो उसका भी सुना हुआ था। उसके बाद उसको ये भी डिस्क्लोज करें कि लेट से अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, सारी बातें डिस्क्लोजर दे के फिर अगर वो आपको इंगेज करना चाहते हैं दैट्स फाइन। देन यू शुड ट्राई नॉट टू अपेयर इन मैटर्स अगेंस्ट योर क्लाइंट, कि आज आप अपने क्लाइंट के लिए पेश हो रहे हैं कल आप उसके खिलाफ पेश हो रहे हैं। फिर एक और बात भी है जो कि बड़ी कम हो गई है, उसको शायद आई थिंक जुडिशियल स्टॉपल आप बोलते हैं मोहम्मद भाई भी थे, कि आप जो एक पोजीशन ले रहे हैं कोर्ट के आगे, या जो चीज़ आप किसी लीगल प्रोपोजिशन के ऊपर एक पोजीशन ले रहे हैं, तो आप दूसरी कोर्ट पर जाकर डिफरेंट पोजीशन ले लें, ये कोशिश करें ना करें। वैसे तो एक वकील का डिफरेंट ब्रीफ है, कर सकता है, बट अगर आपका एक कंसिस्टेंट व्यू है ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि आप समझते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इलेक्शन है 90 डेज से बियॉन्ड नहीं जा सकता, आप सडनली अगले दिन दूसरी तरफ से खड़े होकर कहें जी नहीं जा सकता है, तो ये उस चीज़ में जस्टिफाई नहीं होगा कि एक वकील कह जी कि मैं तो वकील हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, डोंट डू दैट। एक वकील के भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये नहीं हो सकता कि लॉ आज और है आपके लिए उसकी एप्लीकेशन हो कल और हो। फिर यू मस्ट रिफ्यूज़ एंड रिटर्न ब्रीफ इन क्लाइंट इफ़ द क्लाइंट इंसिस्ट अनफेयर मीन्स इन एक्सेस टू जस्टिस, वो कहता है जज को पैसे दे दें, वो कहता है जी कोई ऐसी चीज़ और कर दें या कोई ऐसा मामला कर दें जो कि अनएक्सेप्टेबल है और स्टैंडर्ड्स ऑफ द आपके जो कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट है या
रूल्स एंड एटिकेट्स के खिलाफ है या वैसे इवन इमोरल है, अनएथिकल है, इलीगल है, तो उसको रिफ्यूज करें, जबरदस्ती उसका केस मत पकड़ें। फिर यू शुड नॉट यू नो नॉट टू विदड्रॉ फ्रॉम सर्विस इन द मिडल ऑफ द केस। कई ये भी बड़ी एग्जांपल्स हैं, कोर्ट में मुंह मारी हुई, मैं नहीं करता आपका केस, अब जा रहे हैं आप, उसको बेसिकली बड़ा नाकाबिले तलाफी नुकसान दे के जा रहे हैं। उसका केस जब भी कोई देगा उस जज के आगे एक परसेप्शन बन चुकी होगी, जितनी देर तक उसने आपको पैसे दिए हैं, इट इज़ लाइक हायरिंग समबडी। मैं ये नहीं कह रहा उसने आपको खरीद लिया, बट इट इज़ हायरिंग समबडी एंड यू आर सपोज टू रिप्रेजेंट हिम टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। जैसे आप वो एक एफिडेविट के नीचे लिखते हैं ना, उस तरह की बात। फिर अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जब आप बाहर निकल के बात करते हैं, फिर अपने क्लाइंट की, मसलन मैं तो कुछ ऐसे नौयत के केसेस भी किए हुए हैं जिसमें बड़ी पर्सनल लेवल की बातचीत है, तो वो जाके बाहर में बताना शुरू कर दें। या लेट से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आई एम रिप्रेजेंटिंग इमरान खान, उनके कुछ केसेस में उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई हैं, तो मैं आके सिर्फ इसलिए कि लोगों को मुझे बाहर कहें जी खान साहब से बातचीत इसकी हुई है, तो मैं बता दूँ, वो बड़ी ज्यादती है अपने क्लाइंट के साथ, बिकॉज दे ट्रस्ट यू एंड देन दे शेयर थिंग्स विद यू, और कई दफ़ा वो आपके आगे कंप्लीट डिस्क्लोजर भी कर देते हैं। उस केस में डिफरेंट व्यूज़ हैं, मतलब मैंने मोहम्मद भाई का भी उसमें व्यू सुना हुआ है कि बस लेट से आपको आके बंदा कहता है कि जी मैंने कत्ल किया है, मुझे रिप्रेजेंट करें। मेरा अपना पर्सनल उसमें ये होगा कि मैं उसे कहूँगा कि जी चूँकि तुम्हारा कन्फेशन है और मैं करता भी हूँ ट्राई, तो मैं शायद इसमें तुम्हें रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बट ही हैज़ अ राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ऑफकोर्स जो उसने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस बताएं। बट अगर वो आके खुला कन्फेशन कर रहा है कि जी मैंने कल कोर्ट के बाहर बंदे को गोली मारी है, तो सर आएँ और मुझे डिफेंड करें, तो वो एक उसमें एक सिचुएशन डिफरेंट है। एवरी पर्सन कैन हैव हिज ओन व्यू। मेरा व्यू ये है कि आपको कोशिश करनी चाहिए फिर ऐसे केस में मत डालें। और वैसे भी व्हेन यू आर सिलेक्टिंग केसेस, यू हैव द ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग केसेस, कोशिश करें अपने केस को पहले पढ़ें समझें। जस्ट बिकॉज द क्लाइंट हैज़ विजिटेड योर ऑफिस डजंट मीन दैट यू आर सपोज टू बी एंगेज। हो सकता है आप केस के बाद उसको कहें यार आपको केस करना ही नहीं चाहिए, तो वो भी उसकी अच्छाई है, उसके पैसे बच रहे हैं। और हो सकता है आप कहें कि ये केस बनता नहीं है, लेकिन अगर स्टिल तुम इंसिस्ट करते हो तो मैं कर लेता हूँ। और तीसरी ऑप्शन ये आप कहें कि मैंने नहीं करना। तो ये सारी बड़ी तफसील से देखिएगा। फिर ऑफ कोर्स क्लाइंट को भी मिसलीड नहीं करना जिस तरह आपने कोर्ट को नहीं करना। फिर क्लाइंट को एक्सटॉर्ट नहीं करना कि क्लाइंट आपका अच्छी किसी बड़ी गाड़ी से आए तो उसकी जेब से हर चीज़ें निकाल लें और आपने पता करवा लिया कि उसकी फ़ी। कोशिश करें कि जो एक चीज़ की रीजनेबल फ़ी है, जो एक मार्केट हमारी तो चूँकि मार्केट में बड़ी वेरिएबल फ़ी है, 50,000 से करोड़ तक वेरी करती है, हर टाइप का वकील आपको मिलेगा, बट फिर भी यू नो कि कितनी डिसेंट चीज़ है, इसकी क्या डिसेंट कॉम्पनसेशन होनी चाहिए, और वो कॉम्पनसेशन आप आराम से अवेल कर सकते हैं। चल रहे सर, चल फिर ये बात इस पर पहले हो चुकी है, दैट यू शुड नॉट एंगेज योरसेल्फ इन डिसऑनेस्ट अदरवाइज विच इज़ डिस्क्रेडिबल, मस्ट नॉट डू एनीथिंग विच इज़ प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अब ये वो है जो जनरल बातें हैं कि आप के लिए जो सुप्रीम चीज़ है, लेट से को गैर आइनी बात आप करते हैं, ऐसी चीज़ है विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, वो चीज़ें आप मांगना शुरू करते हैं जस्ट बिकॉज योर क्लाइंट इज़ एंगेज यू, तो वो कोशिश करें। फिर जो हमने पहले शुरू में बात की थी, यू मस्ट नॉट डिमिनिश पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द लीगल सिस्टम, ये है आप अपने रवैये से। ये नहीं है कि आप अदालत में जाके इस किस्म का बिहेवियर करें या अदालत में जाकर इस किस्म की बातें शुरू कर दें कि जो वहाँ लोग खड़े हो कहें जी ये तो मिलना ही कुछ नहीं। और आप बाय द वे इस तक लोगों का किसी हद तक व्यू ये है, उसमें हमारे भाइयों का भी बड़ा अमल दखल है, फिर जजेस का भी बहुत अमल दखल है, जिस किस्म की जजमेंट्स आ रही हैं कि लोगों का व्यू या लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो अदालतों में उस तरह नहीं रहा। वो कहते हैं यार इससे बेहतर है कि आप इसको कहीं बाहर सेटल कर लें। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये कहनी आसान है, इट्स ईजियर सेट देन डन, दैट मस्ट नॉट लेट एनी वन इन्फ्लुएंस योर इंडिपेंडेंस इंटेग्रिटी एंड फ्रीडम। एक वकील को जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि ही इज़ इंडिपेंडेंट, वो भी यहाँ से उठेगा चने खाता हुआ कहीं चला जाएगा, अपना काम करेगा, जिस टाइम उठ के घर चला जाएगा, अपनी इंडिपेंडेंट फ्री विल से चीज़ें करता है, अपने ओपिनियन पर चलता है। उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत होने दीजिएगा कि जस्ट बिकॉज आप अच्छा बोलते हैं तो आप किसी ऐसे सेक्ट के हाथ आ जाएं, किसी ऐसे इदारे के हाथ आ जाएं कि वो आपकी उन चीज़ों को यूज़ करें कि यार आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप हमारा काम भी ज़रा, इफ़ यू डोंट बिलीव इन समथिंग डोंट डू इट। एंड बिलीविंग इन समथिंग ऑफ कोर्स इज़ ड्रिवन फ्रॉम यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लीगल जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, फिर आपके कवानीन हैं, अगर उनमें कोई चीज़ नहीं लिखी हुई और आप कह जी मैंने ज़बरदस्ती करनी है तो वो ना करें। देन यू शुड ओनली एक्सेप्ट instructions if you have the expertise in the relevant field. ये हम पहले बात कर चुके हैं, आप टैक्स के वकील हैं
और आप कहेंगे मैंने सुबह मर्डर रेफरेंस करना है, बताइए उनको कि मैं नहीं कर सकता। आई विश कि हमारे जजेस भी काम शुरू कर दें, मस्ट नॉट मेक एलिगेशंस विच आर अनसपोर्टेड एंड विदाउट एविडेंस, कि जी मैं तो इन वकील साहब को ऐसे जानता हूँ, मैं तो इन वकील साहब को वैसे जानता हूँ, या यू नो यू स्टार्ट मेकिंग असर्शंस विच हैव नो नेक्सस टू रियलिटी एंड एट द सेम टाइम आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, देन एक्ट फेयरली इम्पार्शली, हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट इन रिलेशन टू एनी पर्सन बाई रीजन ऑफ रेस, कलर, रिलीजन और एथनिसिटी, तो मैं तो पंजाबियों का केस करता हूँ जी, मैं तो मुल्तानियों का केस नहीं करता, या मैं लेट से पठानों का केस नहीं करता। अगर आपने नहीं करना, आप रीज़न और दें, ये मत रीज़न दीजिए कि एंड जस्ट बिकॉज यू बिलीव और यू कम फ्रॉम अ सर्टन स्कूल ऑफ थॉट, फिर उसमें हमारे रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट्स भी आ जाते हैं कि जी मैं तो लेट से थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपने भाई से, यानी कि पठानों के ना करें और उसको उनको आप कह दें कि ये वगैरह, इसकी ऑब्लिगेशन मेरे ख्याल में शायद ये है कि आप पठानों के भी केसेस करें फांट से पीपल दैट यू डोंट लाइक। रीज़न वाली सिर्फ बात नहीं है कि आप उनको कोई और रीज़न बता के कर दें कि मैं नहीं करता वगैरह, आई थिंक यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन। नो, मैं और एसेंस से बात करूँ, मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से आपको केस आता है एंड यू फील कि आप उस केस को नहीं करना चाहते, नॉट बिकॉज वो पठान का केस है बट बिकॉज वो केस नहीं बनता, उस केस में आप अगर वो लेट से किसी पठान का केस है, या लेट से बहुत सारे हमारे लोग हैं जो कि सुन्नी हजरात हैं, वो कह जी मैंने अलतशी का केस नहीं करना एग्जांपल है, या अशिया साहब कह मैंने उसका नहीं करना, उस केस में अगर तो ये बेसिस है, फिर मोहम्मद भाई वाली बात से मैं अग्री करता हूँ, आपकी ऑब्लिगेशन है वो केस करना। बट अगर आप समझते उस केस में मेरिट्स नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो तो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट उसके लिए कोई रीज़न खुद मत बनाइए। तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि आपकी ऑब्लिगेशन है, बट ऑफ कोर्स एक चूंकि हमारे इस लीगल सेटअप में आपके पास ऑप्शन भी है ऑफ नॉट, हमारे तो कैब रैंक रूल हमारा कैब रैंक रूल नहीं है, आपकी मर्जी है आपने मुकदमा लेना है कि नहीं, नहीं लेना है एग्जैक्टली। जैसे इंग्लैंड में मैं अभी आपसे सवाल है जी आप लिख लें, मैं अभी एंड में सवाल पाँच आप अच्छा जी। सो मूविंग ऑन, bring to court attention all relevant decisions, legislative provisions which you are aware of. Of course, this goes without saying कि जो आपके केस की preparation है, it is your duty कि आप उसको incisively थोड़ा argue करें, उनको सारी की सारी चीज़ों का बताएं, अदालत को fully it should be informed and of course you should be making all your submissions ताकि वो उसकी basis पर फिर फैसला करें। फिर you must bring to court's attention any procedural irregularity during the trial. ये वंस अगेन इज़ अ लीगल थिंग, जिस तरह हमने पहली लीगल में बात की है, दिस वुड फॉल अंडर एनी यू नो कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, लेट से कि आपने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है उस पर नकूल प्रोवाइड करनी होती है, वो नहीं प्रोवाइड हुई, दैट शुड बी डन बिकॉज इट इज़ योर ड्यूटी, आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं टू इन्फॉर्म द कोर्ट, प्लस यू आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग योर क्लाइंट, नॉट टू असर्ट एनी पर्सनल ओपिनियन टू द कोर्ट अनलेस इन्वाइटेड टू डू सो, कि मेरी ज़ाती राय में ये है और मेरी ज़ाती राय ये कहती है, आपकी ज़ाती राय इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस तरह लिखा हुआ है कि अनलेस कि आपसे ये मशवरा मांगा गया है, वरना आपने कानूनी राय देनी है। सर थोड़ा बर्दाश्त कर लें, ऐसे 15-20 मिनट रह गए बस, थैंक यू। टू टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टिंग कोर्ट्स टाइम, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अदालत का जो टाइम है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपकी वहाँ पर जाके केस की बहस लेट से 5-6 मिनट की है और आप उसको स्ट्रेच करके 1-1.5 घंटे पर ले जाएं, तो वो आपकी मैक्सिमम कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको अवॉइड करें। देन टू नेवर ब्रीच द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ट्रस्ट विच द क्लाइंट प्लेसेस इन यू, वी डिस्कस दैट इन डिटेल। टू डू द अटमोस्ट टू अवॉइड प्रोफेशनल एम्बैरेसमेंट, ये प्रोफेशनल एम्बैरेसमेंट उस केस में आपको होगी जहाँ पर लेट से एक एग्जाम्पल थी कि आप गलत जजमेंट साइट कर देते हैं, गलत प्रोविजन ऑफ लॉ साइट कर देते हैं, या कोई गलत चीज़ की तरफ इशारा कर देते हैं जो कि इन फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करती, तो जज जब आपको कन्फ्रंट करेगा तो वो चीज़ आपके लिए एम्बेरसमेंट का कॉज बनेगी। सो यू नो थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स, दिस इज जस्ट अ कंक्लूजन ऑफ वट वी हैव डिस्कस्ड एंड दीज आर द कोर्ट ड्यूटीज, ड्यूटी टू कोर्ट टू प्रमोट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड नेवर टू मिसलीड द कोर्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू बी रीडिंग आउट दीज बिकॉज हमने इन डिटेल एक्सप्लेन कर दी हैं। ड्यूटी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट एंड टू कीप क्लाइंट्स इंटरेस्ट अहेड ऑफ योर्स, ड्यूटी टू कीप क्लाइंट अफेयर्स कॉन्फिडेंशियल एंड वर्क विद कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस, we've discussed that, duty to provide competent standard of work and only accept the case brief if you hold the expertise in the field, duty to act honestly and integrity and not to mislead the client, court, public or profession, duty to act fairness with fairness and never discriminate in any grounds whatsoever, duty to take all reasonable steps to manage practice competently, must have a valid license and compliance. ye bhi bada aajkal common hai ki bacche license ke bagair pesh ho rahe hain,
फर्स्ट ईयर के सर, मैं तो एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ मैं केस पूरा आर्ग्यू करा है, वैसे उसने मेरे से बेहतर आर्ग्यू किया था, लेकिन मसला ये कि लाइसेंस की रीज़न है. जस्ट बिकॉज यू कैन ड्राइव डजंट मीन दैट यू कैन ड्राइव, यू नीड टू हैव अ लाइसेंस दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑफ कोर्स ऑब्लिगेशन. अच्छा जी, डीलिंग विद कोवर्कर्स, आपको अपनी मुंशी को जो इज्जत देनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने अपने प्रोफेशन में सीखी, हमारे सीनियर्स ने बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है. उसकी इज्जत एहतराम एक जज से नीचे नहीं है, बिकॉज वो आपका जो हर चीज़ है उसका रिस्पॉन्सिबल है. देन सीनियर्स दे ऑल्सो डिजर्व ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, देन लैक ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स वो सेट विल सीरियसली डैमेज योर प्रॉस्पेक्ट. अगर आप अपने कई वकील मुंशियों के साथ बड़ी बदतमीजी करते हैं या तू करके बात करते हो, चल ये ठीक है, अगर आपसे उम्र में फ़र्क है तो बातें डिफरेंट हैं, बट पब्लिकली उसको रिडिक्यूल या इनडिसेंटली उसके साथ बिहेव मत करें, खासतौर पर जूनियर्स के लिए. सीनियर तो वी कैन गेट अवे विद, आपने उसको तू चूं की थी तो उन्हें आपको ऐसा आपका नीचे से पत्ता काटना है कि दफ्तर से आप 15 दिनों के बाद ही बीच में बेल है, काम भी आपको नहीं मिलेगा. उसने मेरे कान में आके कहना कि यार फलां बदतमीज है या फलां टाइम पे नहीं आता, ना मैंने चेक करना, मैंने उठा के कर देना है. हम हमारे से भी ज़्यादा ज़रूरी है मुंशी, बिकॉज मुंशी के थ्रू आपको काम मिलना है. हम तो वी कैन गेट अवे विद सीनियर्स वगैरह, मगर ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये नुकता है. अच्छा जी, फिर ऑफ कोर्स दे विल बी द ग्रेटेस्ट सोर्सेज ऑफ लर्निंग एज वेल एज अर्निंग इन द नियर फ्यूचर. अर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका मुंशी आपका एक तरह का वो जिसे कहते हैं ना कि कन्वे करता है लोगों को कि मेरे वकील साहब क्या करते हैं, प्लस उससे क्लाइंट्स डायरेक्टली डील भी कर लेते हैं, फी नेगोशिएट कर लेते हैं, बहुत कुछ हो जाता है. सो दोनों तरह, एक तो आप लर्न बहुत करेंगे प्रोसीजर, मुंशी से ज़्यादा आप किसी से लर्न नहीं करेंगे जो मैंने एटलीस्ट अपने इन चीज़ों में देखा है. अच्छा जी, ऑन सोशल मीडिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. If in uniform or appearing as a representative of the profession, act soberly and in accordance with the dignity of the profession. ये नहीं है कि सिद्धू मूसे वाले के गाने लगा के तो आप लिबर्टी और इधर उधर फिर रहे हैं. अभी तो खैर पंजाब बार काउंसिल ने उस पर कानून भी बना दिया है, इस पार्ट ऑफ द रूल्स नाउ, कि आप मेरा ख्याल नहीं करते. मैंने भी पढ़ा है. एग्जैक्टली, तो आप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. फिर डू नॉट एडवर्टाइज बट यू कैन इन्फॉर्म पीपल ऑफ योर अचीवमेंट्स. जैसे हमने पहले बात की थी कि जी मुझे फलां अवार्ड मिला है, मैंने फलां जगह, ये नहीं कह सकते कि आप पूरे का पूरा बताएंगे जी आप शादी का केस लेके मेरे पास आ जाएं, सिविल केस लेके मेरे पास आ जाएं, या कोई फलां बंदे का केस मेरे पास, या कोई लेट्स से ऑनगोइंग पब्लिक कंट्रोवर्सी है, तो आप खुद कहना शुरू कर देंगे इस पे. उसके भी बड़े तरीके हैं, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट्स से ट्विटर है, आई हैव अ प्रेजेंस ऑन ट्विटर, अबाउट 65 to 70,000 ऑड पीपल फॉलो मी. सो इफ देयर इज एन ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी हम उस पे कमेंट करते हैं, और कई दफ़ा उस कमेंट को पढ़कर लोग आपसे रब्ता करते हैं कि सर हम आपसे केस करवाना चाहते हैं. बट अगर उस कमेंट के एंड में मैं लिख दूँ कि जी आप मुझे इंगेज कर लें, या कोई बंदा उस पर बात कर रहा है और मैं समझता हूँ पोटेंशियल क्लाइंट है कि आप मुझे इंगेज करें, वो गैर मुनासिब बात. आपकी किसी ने बात पढ़ी है, सलमान राजा साहब भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो उनको पढ़ कर अगर आपके पास आता है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. देन ये कुछ लिंक्स हैं जी, इन पर एक था हाउ टू इम्प्रूव योर लीगल क्लाइंटेल, ये भी एक सेमिनार में मोहम्मद भाई ने मौका दिया था बोलने का. फिर लीगल रिसर्च पर है, ये भी इसी तरह है, और प्रोफेशनल एथिक्स लॉग एट लेक्चर है जो मैंने आपको आज दिए, इसको एक ऑलरेडी लेक्चर फॉर्म में है, वो भी मैं आई विल बेसिकली शेयर. ये एक किताब है मॉडल रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट, ये अगर आप लोग इसको इफ़ यू कैन गेट होल्ड ऑफ दिस, बिकॉज ये जो पार्ट है ये आप अभी मजबूत कर सकते हैं. आज से 20 साल 10 साल बाद हमारे वाली सिचुएशन पर आके फिर आप अपने प्रोफेशनल कॉन्डक्ट को ठीक नहीं कर सकेंगे, तो बेहतर है कि इसको आज ही आप कोशिश कर लें. और पंजाब बार काउंसिल एंड मोहम्मद भाई इन पर्टिकुलर, बिकॉज फॉर मी ही इज़ द पंजाब बार काउंसिल, इनकी बड़ी मेहरबानी है कि ये आप लोगों की फलाह बहबूद और आपकी उसके लिए काम करते हैं. बड़ा डेडली क्वेश्चन है वो. नहीं नहीं, मैं आने लगा हूँ. जी सर, बिल्कुल है.
देखिए सर, जो पहला आपका सवाल है उस पर एक चीज़ तो तय है कि हर आदमी का राइट टू बी रिप्रेजेंटेड जो है वो फंडामेंटल राइट है उसका, और वो रिलीजियसली भी उसका राइट है। ये नहीं हो सकता कि वो अनरिप्रेजेंटेड चला जाए। अब इसमें एथिक्स में भी एक हमारे इंग्लैंड से जहाँ से हम पढ़े हुए बारट लॉ उसके एथिक्स हैं, और एक ऑफ कोर्स हमारे जो लोकल, हमारे लोकल एथिक्स में जितनी मेरी इस पर मुशाहदा है उसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि आप किसी बंदे को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट दैट आई पर्सनली फील कि अगर मुझे कोई शख्स आके कहता है जी मैं फलां आदमी को गोली मार के आया और जान से मार दिया है और सर मैंने मज़े से मारा है बस आप मुझे डिफेंड करें, तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डिफेंडिंग हिम, नंबर वन। नंबर टू, इसी तरह कुछ सिविल साइड जी, मैं बताया मैंने आपको प्रोफेशन का जवाब दे दिया कि उसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी। और वही मोहम्मद साहब का भी व्यू वही है उस तरह कि आपको कोई ऐसी रुकावट नहीं है। ये एक पर्सनल मेरा है ओपिनियन विच आई हैव। अब जिस तरह हमारी जो मैं आपको इंग्लैंड वाली एग्जांपल देता हूँ, वहाँ अगर कोई आदमी आके आपसे कन्फेशन करता है तो आप उससे कह देते हैं आई एम प्रोफेशनली एम्बैरस्ड, आप कहते हैं कि मैं इसको नहीं रिप्रेजेंट करना चाहता। पाकिस्तान में ऐसी हमारे जो जो कैनन ऑफ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट, ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये मैंने आपको पर्सनल राय दी इसलिए मैं उसको बार बार उस पर एम्फेसिस कर रहा हूँ कि लेकिन मसलन एग्जांपल है, एक शख्स आ जाता है कि जी मैं फलां सामने आपकी पंजाब बार काउंसिल की बिल्डिंग में कब्जा कर लिया सर, तो सुबह मुझे स्टे ले दें, तो मेरा दिल करेगा कि मैं नहीं उसको रिप्रेजेंट करूँगा। बट ऑफ कोर्स उसका राइट टू बी रिप्रेजेंटेड जो है वो तो नहीं कहीं जा सकता, वो कहीं जा सकता है अनलेस। होता ये इंग्लैंड में कि मोस्टली जो क्लाइंट्स आते हैं वो कभी भी ये क्लियर बात नहीं बताते कि हमने क्यों मारा है और कैसे मारा है, तो आप अपनी इंस्ट्रक्शंस पर चलते हैं इसलिए आप उसको डिफेंड करते हैं, इसीलिए कभी आप उसके लिए खुद डिफेंसेस नहीं निकाल के देते कि अगर तुम इस तरह कर लेते ना तो ऐसे हो जाता। नो नो, सो यू वर्क ऑन इंस्ट्रक्शंस। बट ये चूंकि बड़ी एक सुपर नॉर्मल टाइप बातें हैं तो उसमें तो फिर जाके होता है, लेकिन उसका राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। बट हर केस में ऐसे होता भी नहीं कोई बंदा आके कत्ल करके आ जाए, बात हमेशा बीच में ही होती है। दूसरा जो आपने मेरे से सवाल पूछा था, सॉरी, हाँ जी, अच्छा मैं समझ गया। अच्छा, वो मीडिया में आके एडवर्टाइज का मैंने वर्ड नहीं बोला, मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे हैं जो ट्विटर पर कानून के बारे में लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट तो ये होगी ना कि आप कहें कि जी मैं बहुत अच्छा फैमिली वकील हूँ तो मुझे हायर करें, या मैं एक अच्छा सिविल का वकील हूँ। लेकिन अगर आप सुबह उठ के लिख देते हैं कि अंडर यू नो लेट्स से ऑर्डर फलाना रूल फलाना दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, और किसी शख्स को उसी प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे लीगल एडवाइस मतलूब है तो आपको रब्ता कर लेता है, और दिस इज़ नॉट एडवर्टाइजमेंट, ये तो आप अपनी लीगल नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और जनरली लिखा हुआ है। जिस तरह हमें आपको ट्विटर की एग्जांपल दी, आजकल ऑनगोइंग पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे होते हैं, इलेक्शन मैटर्स चल रहे होते हैं, और हमें तो खैर इसलिए मजबूरी है कि हम अब फंस गए उस काम में, हम लिखते हैं, एंड आई हैव टू गिव अ व्यू ऑन मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल या पोलिटिकल, तो उसकी वजह से लोग आ जाते हैं। बट कई दफ़ा हमें पता होता है कि ये पोटेंशियल क्लाइंट है, अब उसकी ट्वीट के ऊपर जाके हम लिखें कि यू नो दिस इज़ द लीगल प्रिंसिपल एंड आई रिक्वेस्ट दैट यू हायर मी, या इस तरह की एग्जांपल दें तो वो मुनासिब नहीं। बट लोग ये भी करते हैं, ये बॉर्डर लाइन सी चीज़ है। आप अपनी लीगल स्किल डेमोन्स्ट्रेट करें फिर आपको कोई हायर कर ले। सोशल मीडिया फोरम्स का फ़ायदा होता है, लेकिन अब आप सारों में से मेजॉरिटी सोशल मीडिया फोरम्स पर आजकल जिस तरह की चीज़ें रिस्ट्रिक्ट की हैं, तो जो मैंने जिस तरह पहले एग्जांपल दी थी मूसे वाले के गाने लगा के आप चल रहे हो, उससे बहुत बेहतर है आप खड़े होकर एक जगह एक छोटा सा इस तरह का लेक्चर दे दें। मतलब मुझे इस लेक्चर की एग्जांपल की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इस लेक्चर के लिए बुलाया बिकॉज उन्होंने देखा। इसी तरह आप एक सिविल प्रोसीजर कोर्ट पे छोटा सा लेक्चर दे दें, हो सकता है मोहम्मद भाई से रिक्वेस्ट करें वो आपका लेक्चर चढ़ा दें, उसको सुन के बहुत सारी हमारे इन लेक्चर्स स्पेशली जब मोहम्मद भाई उस लेक्चर को इंडोर्स करते हैं या चढ़ाते हैं तो लोगों का ख्याल होता है कि ये बिल्कुल ठीक बात है, पीपल देन स्टार्ट हायरिंग यू, दे स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग यू, तो दिस इज़ नॉट एडवर्टाइजमेंट जी। अच्छा मैंने पैसे मांग लेने अब चार पे दो ठीक चलो चल। अगले दिन 24 घंटे के अंदर वो इवॉल्व हो गया। वो रेवोल्यूशन होती है, एवोल्यूशन नहीं होती। वैसे तो जज साहबान ने भी कहा था कि यार मेरा वो सुप्रीम कोर्ट का जो था आई हैव इवॉल्व नाउ, अब मैं बैठ के ये कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया। ठीक है, अरे आप आपका जो आर्गुमेंट है मैं समझ गया, ठीक है। ठीक।
देखिए यूनिफॉर्म पर तो पहले आपको ये बता दूं कि यूनिफॉर्म की जहाँ तक डेफिनेशन मुझे पता है वो तो आपकी बेसिकली ये ब्लेजर कोट है ब्लैक, वाइट शर्ट है, टाई है, पैंट्स के अंदर ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता होगी पर होनी तो वो भी ब्लैक की चाहिए, बट उसकी उस तरह स्ट्रिक्टली डेफिनेशन नहीं है जिसमें लोग फिर वाइट भी पहनते हैं, ग्रे भी पहनते हैं, ब्लैक भी पहनते हैं। जो पेशावर में होता है उसकी इजाज़त कानून में नहीं है, वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी, वो फैसलाबाद मेरा ज़िला है वहाँ पर भी होता है, वहाँ पर सारों ने वाइट शलवार कमीज़ के ऊपर से कोट पहना होता है। बट ये दीज आर द थिंग्स जो कि इन्होंने खुद डेवलप की है, ये कानून में नहीं लिखी, कानून में यही है जो आपका ऊपर वाला यूनिफॉर्म है, उसके नीचे फिर ट्राउजर्स में लोग स्किन भी पहनते हैं, ब्लैक भी पहनते हैं, फलाने का नकल पंजाब बात नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे बताया था, अब कल आपको मैं कर दूंगा। देयर इज अ रेगुलेशंस है, मेरे ख्याल में मुख्तलिफ कोर्ट्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स के फॉर एग्जांपल आप वहां पे यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिविल कोर्ट के अंदर भी इतना स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं होता, हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स में भी है, इसके ऊपर एक आर्टिकल है, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, पहले पीछे भी किसी दोस्त ने नहीं, आपके दो छोटे सवाल साथ और देखिए इंटरप्ट जो ऑर्डर है ना उसमें मेरी आपको रिक्वेस्ट होगी जो हमारी एटलीस्ट समझ है, ऑर्डर पूरा लिखवा लेने दें और फिर उसे कहें जी कि क्योंकि वो ऑर्डर तो उसने कौन सा टाइप कर दिया है, वो तो सामने शॉर्ट हैंड से होता है, तो आप उसे कहें कि सर इसमें जी नेक्स्ट डेट या जो भी आपने बात करनी ऐड कर दें, वो भी अगर रेलेवेंट हो, हर बात नहीं करनी। मेरा स्टाइल वैसे ये होता है जब ऑर्डर डिक्टेट हो रहा होता है तो मैं हाथ खड़ा कर लेता हूँ उसके सामने, ये भी आई मीन फॉर एग्जांपल जवाद ख्वाजा साहब यहाँ पे बीच में जस्टिस मौजूद है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी रहे, उन्होंने तख्ती लिख के लगाई हुई थी कि आप मुझे जब ये करते हुए आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे ना सर, एक वकील साहब ने की, उसने वही तख्ती उठा के जज साहब की तरफ बीच में फेंकी थी हाईकोर्ट के अंदर, और लड़ाई मारकुटाई वगैरह भी हुई यहाँ पे, इस तरीके से चीज़ें वगैरह होती रही हैं। आपने मैन मैनेजमेंट करनी है, अगर उसका बटन दबा के अगर वो होता है आप उसको इंटरप्ट करके क्या उसका ज़हन चेंज कर लोगे? बात ये है, यू नीड टू रियलाइज दैट ही इज पासिंग एन ऑर्डर अगेंस्ट यू, जो भी है जिस चीज़ के अंदर से, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरप्टिंग हिम उसके दरमियान? हाँ, अगर वो तारीख आप 16 की जगह 18 करवाना चाह रहे हैं वो तो आप ज़रूर कह सकते हैं। मसलन काजी फैज उस्मान साहब के आगे मैं पेश हुआ तो वो खुद ही कह देते होते हैं कि ओके आई एम डिक्टेटिंग द ऑर्डर, लेट मी नो इफ यू वांट एनीथिंग एडेड, तो मैंने उनको दो तीन दफ़ा इंटरप्ट किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट जनरली जब आप ऑर्डर लिखवा रहे हो कोई भी पसंद नहीं करता, ठीक है सर जी। कॉन्ट्रोवर्सी की कॉन्ट्रडिक्शन, मैं परेशान हो गया, मैं कहा आपने कंट्रोवर्सी में अभी सिखाया कि अगर कोई गलती करे तो हंसना नहीं है, आपने अपने भाई भाई जब वकील नहीं 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 वो गलती बनी, ऐसे मैं कंट्रोवर्सी में परेशान हूं, नहीं वो पीछे वाले आते हैं तो क्या मैं आपको यहाँ पर एक ऐड करूँ, जब वो स्लाइड आई थी मैंने वो वाली पार्ट लाइन नहीं पढ़ी थी, उसकी वजह ये थी कि मैं ऑलरेडी आईपैड पर कह चुका था, मेरा उस पर व्यू ये है जब आप ऑफ करने की बात करते हैं तो मकसद होता है उसको साइलेंट पर करना, और जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसमें आपकी आईपैड है उसने तो वैसे ही रिंग नहीं करना होता, तो इट इज़ जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक जिसको आप लिख रहे हैं या जिसको आप स्क्रोल कर रहे हैं, सो इट डजंट स्ट्रिक्टली फॉल विद इन द डेफ, और द रीज़न वाई दे हैव नॉट परमिटेड दिस इज कि उसकी आवाज़ ना आए, बोले ना, तो वो तो आप साइलेंट पर कर लेते हैं। टेक्निकली तो हम फोन भी स्विच ऑफ नहीं करते, फोन भी हम साइलेंट पर कर लेते हैं, सो इसलिए जो आपकी गैजेट है वो तो एक किताब की फॉर्म में अंदर जाएगी, इट्स जस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। सुप्रीम कोर्ट में आपको जमा करवाना पड़ता है, हर कोर्ट की अपनी अलग अलग रेपुटेशन है किस तरीके से करना है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको, मेरी सुप्रीम कोर्ट में आई हैड दिस प्रॉब्लम बट नाउ आई हैव सॉट द परमिशन, और मुझे हर दफा वो इजाजत दे देते हैं कि इस पर पूछते कि सिम कार्ड तो नहीं है इसमें, पूछते हैं मैं कहता हूँ नहीं, तो कहते हैं आप ले जाओ लाइव ब्रॉडकास्ट ना, सो इसलिए मकसद जो है वो ये कि कोई आवाज़ ना आए, ये मकसद नहीं है। लेट्स अगर आपकी किताब भी जो है वो टू टू करेगी तो देन ऑफ कोर्स इट इज़, सो इसी तरह फ़ोन को अगर आप साइलेंट कर लेते हैं, फ़ोन को भी मकसद ये नहीं है कि आपने स्विच ऑफ करना है, वो तो स्विच ऑफ हमने एक स्लाइड के लिए बनाया हुआ है या पूरे कोर्ट्स में ये लिखा होता है प्लीज़ स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, बट एवरीबडी पुट्स इट ऑन साइलेंट। आई नो अ लॉट ऑफ हाई कोर्ट जजेस जिनके जेब में होते हैं बट उनको नहीं रखने होते, बट स्टिल मकसद ये है कि उसकी आवाज़ मत आए।
नहीं मेरे साथ हुआ भाई ये कि मेरे साथ भी एक जज साहब ने किया था, मैं उनका नाम खुद नहीं लेना चाहूँगा, कि आप क्यों आईपैड यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं आपको आईपैड से गाने तो नहीं पढ़ के सुना रहा, मैं आपको कानून की बात कर रहा हूँ। एंड देन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सेड दैट दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन कोर्ट, कि आप आईपैड से देख के लेटेस्ट किताब से पढ़ रहे हैं। लगता सो भी ये बेसिकली वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको आहिस्ता आहिस्ता कुछ एक्सेप्ट करेंगे कुछ नहीं करेंगे। मेरा अहमद से इस वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ है कि आपको अव्वल तो कोर्ट के अंदर ये जो आईपैड वगैरह है या आईपैड से पढ़ के करना नहीं है। इफ इट इज इम्पॉर्टेंट इनाफ यू हैड बेटर गिव अ प्रिंटेड कॉपी टू द जज। अगर आप कानून पढ़ के दे रहे हैं और आप उसको वहाँ से लेटेस्ट अपडेट, हाँ पैसे और बल्कि कागज बचाना बहुत अच्छी बात, कागज बचाना और दरख्त बचाना बहुत अच्छी चीज है, बट टू माई माइंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ इट इज इंपॉर्टेंट इनाफ कि आपने पढ़ना है तो उसकी किताबें आपकी फाइल में और जज के लिए आपके पास एक्स्ट्रा कॉपीज होनी चाहिए। उसने अंदर आके जो पढ़ना है वो आपके आईपैड से या उसने गूगल से तो नहीं उतार के करना। इट इज इम्पॉर्टेंट कि हर जगह पे आप जो स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स कह रहे हैं उसके साथ लगा के फैसिलिटेट करें। अपनी हद तक अगर आपने करना है या अगर फॉर एग्जांपल ऑन द स्पॉट उसने जज ने कोई ऐसा नुक्ता पूछ लिया अहमद से कि यार फलां बताओ जो कि आपने नहीं एंटिसिपेट किया था, हाँ आपकी फॉल बैक बहुत अच्छी है, अब आप सारी किताबें तो नहीं उठा के जा सकते, काफ़ी बड़े अच्छे अच्छे वकील भी करते हैं, सो इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। और इसके ऊपर आपको भाई मैंने एक सवाल था वो मैंने आपका सर एक इसको मैं क्विकली ऐड कर दूँ। इसमें प्रॉब्लम ये कि जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, लेट से आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ रहे हैं, तो जज साहब आपकी कॉपी से नहीं पढ़े, उनके सामने किताबें पढ़ी होती हैं। सो इंस्टेड कि आपने भी अपनी इतनी सारी किताबें उठाई हुई हैं जो कि एक ट्रे आपकी एक ही आईपैड के अंदर वो तमाम किताबें, मैं आपको बता दूँ मुझे वो यूज़फुल क्यों लगता है। फिर आपको साथ ही CPC पर जाना है, वापस CPC पर चले जाते हैं। जज साहब तो अपनी CPC खुद खोलेंगे। मैं जजमेंट्स के लिए और स्केलेटन्स के लिए ये नहीं बोल रहा, स्केलेटन तो आप उसको अपना प्रिंट करके देंगे और जजमेंट भी उसको प्रिंट करके देंगे। तो किताब एक ऐसी चीज़ है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, CPC है, CRPC है। आप कहेंगे जी मैं सेक्शन 87 CRPC पढ़ने लगा हूँ, अपनी CRPC उठा के पढ़ेगा। सो दिस इज़ वेयर आई फाइंड इट वेरी हैंडी कि एक ही किताब हम एक बुक पकड़ के फिर रहे होते हैं बजाय इसके कि मैं इतनी, बिकॉज आई यूजली डोंट कैरी बुक्स या PLDs वगैरह भी नहीं लेके जाते, उनकी कॉपीज ही लेके जाता हूँ। जी आप किसी का सवाल? एक नुकता आपका, आपकी इजाजत से एक नुकता मैं इसके अंदर डेफिनेटली ऐड करना चाहूँगा। कोर्ट के अंदर आप कई अच्छी कोर्ट्स के अंदर और हाई कोर्ट के लेवल पे कम से कम आप सुबह लिख के पर्ची पे दे सकते हैं कि ये मैंने किताबें इस्तेमाल करनी हैं, ताकि जज साहब के लिए भी उनकी किताबों के अंदर से वो निकाल के उनको दे दें। सुप्रीम कोर्ट में ये ऑलमोस्ट लाजमी है, अगर आपने बल्कि लाजमी है आपने किसी जजमेंट को साइट करना है तो आप उनके वो किताबों के लिए अलहदा बंदा बैठा होता है उसको आप लिख के देते हैं और रेलिवेंट पढ़ के देते हैं। हर जगह पे अलहदा मामला सिविल कोर्ट में उनके पास किताबें ही नहीं है, राइट उनको अगर आपने अथॉरिटीज देनी है तो आपने कॉपियां खास तौर पे इख्तिताम में खास लेके जानी है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कई मुकदमे मैंने इस नुक्ते पे जीते हैं कि मैंने फोटोकॉपी करवा के हाईलाइट करके रेलेवेंट पोर्शन को टैग लगा के उसको जज को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का एक पैराग्राफ पढ़ा दिए, ए लिखना है तू जजमेंट दे विच, और उन्होंने जज साहब पे स्प्रे कर लिया और दूसरे ने 18 जजमेंट्स दिए हैं जो कि जज साहब ने पढ़ी नहीं या उसने 18 जजमेंट्स लिखा है उसके पास किताबें नहीं। दिस इज हाउ यू कन्विंस देम। तो ये इंपॉर्टेंट नुकता है। आप नहीं नहीं एक सेकंड प्लीज, आप पहले आप वो कर लीजिए। आपका कोई सवाल था यार, मैंने तुम्हें चुप करवाया था उसके लिए। मैं आप एक और सवाल करना चाह रहे थे। हाँ बार बार एडवर्टाइज यार वो बहस करने के बिना स्टेज के ऊपर होगा, जनरल रूल ऑफ थंब पे बता रहे हैं ना, उसके ऊपर डिटेल में बात करने। आप पूछिए। प्रोफेशनल एथिक्स का कोई चीज़ वगैरह इसके बारे में कुछ नहीं कहते, करप्शन को आपको प्रमोट नहीं करते। सॉरी सवाल जवाब तो आपका होना चाहिए। मुझे तो फायदा हो रहा है, प्रमोट नहीं करते, रूल्स के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ है इसकी ममानियत वगैरह करप्शन का, लेकिन आपको हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कैनन्स ऑफ ये जो लिखा हुआ है कि जो डम थिंग है कि जो नहीं करना चाहिए वो, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। कॉपीज़ वगैरह फॉर्मली ही लेनी चाहिए। कई दफ़ा हम क्लाइंट को कहते हैं, मैं फॉर एग्जांपल इसमें नहीं बिलीव करता, तो मैं क्लाइंट को कहता हूँ कि कॉपी ले लें या मुंशी के साथ जाके बीच में कर लीजिए। आई डोंट वांट टू बी अ पार्टी टू दिस। हर तारीख के ऊपर हर बंदे का अपना है सेटिस्फैक्शन लेवल।
कि क्या चीज़ आप एक्सेप्ट करते हैं, आप कह सकते हैं कच्ची कॉपी से क्या फ़र्क पड़ता पहले है, ये करके मुख्तलिफ ये प्रोसीडिंग नॉट डील ब्रेकर थे इतनी सीरियस किस्म की, करोड़ों रुपए की करप्शन नहीं कर रहे पैसे देंगे कि जी मेरे फेवर में ऑर्डर आ जाए। अब स्टाफ वगैरह का अगर होता है, कई क्लाइंट्स फॉर एग्जांपल मुकदमा जीत के निकले या आपके फेवर में डिसाइड हुआ, वो आपसे चाय पानी मांगते हैं, मैं कहता हूँ जी क्लाइंट आपसे बात करेगा, क्लाइंट मिल लेगा, सो इट्स एंटायरली अप टू देम। आप किस चीज़ के लिए कम्फर्ट करते हैं, देयर नो रूल्स, रूल ऑफ थंब्स ऑन इट, बट डोंट प्रमोट करप्शन। मुस्कुरा दो, आगे चले जाओ, तुमने जज के साथ लड़ाई करके अपना मुकदमा, मुस्कुरा के पैसे ले लेने चाहिए, उनको कह दे कि सर मैं फिर दो की लूंगा कॉपी वगैरह मेरे बॉस, और करा पक्की कॉपी लेते आप जी, तंजन कर रहे हैं, हंसते खेलते हुए गुजारा करोगे जी, बताइए जी। लेकिन जहाँ तक तो आपकी बात यूनिफॉर्म वाली है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यूनिफॉर्म तो हमारा ये है, हम शायद इस यूनिफॉर्म के साथ इसलिए रिलेट नहीं कर सकते, शायद मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मुनासिब यूनिफॉर्म नहीं है, जून जुलाई में बंदा वैसे ही पागल हुआ था ऊपर से आपने ये पहना, मैं आपसे एग्री करता हूँ, और मैं तो इवन ये भी कहता हूँ कि किसी टाइम पर परमिशन होनी चाहिए कि आप वाइट शलवार कमीज पर वेस्ट कोट पहने, बट ऑफ कोर्स उस पर डिफरेंट व्यूज़ हैं, वो फिर कहते हैं हमारी यूनिटी को अटैक है और ये और वो सारा, बट इस वक्त तो कानूनी तौर पर पोजीशन यही है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें हम इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा आपका पहला सवाल क्या था जी? जी एनओसी आपने कहा कि एक दफ़ा वकील जो है जिसको आपने इंगेज किया वो किसी तरह रब्ता नहीं हो पाता, तो ये चीज़ आप जाके अदालत में बता सकते हैं कि जी मैंने उनको रीच आउट करने की कोशिश की है, एट बेस्ट ये कि आप उनको एक दफ़ा नोटिस इशू कर दें अगर वो आते हैं, वरना मैं ये अपने नए वकील साहब भी उनको ले आया हूँ, अगर इनका एनओसी वो नहीं मुझसे आई एम अनएबल टू रीच हिम और इस टाइप की बात है तो बस ख़त्म हो जाएगी। मलेशिया में तो वैसे एक्चुअली निकर पहनने की भी इजाज़त है कोर्ट के अंदर, तो आप वहाँ पे भी जाना पसंद करेंगे, प्रोफेशन की डिग्निटी की अगर आप बात वगैरह कर रहे हैं, काला कोर्ट का तकद्दस और ये जो कल ये करते हैं वगैरह, तो बर्दाश्त करो भाई, और कोर्ट के अंदर ही पहनना है ना, इट्स अ फोकस, वंस आई वेयर अ गाउन आई स्विच ऑन, मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाहर उतर के उतार ली तो उतार लो यार, कोर्ट के अंदर एयर कंडीशनर ही मौजूद होते हैं, पंखे चल रहे होते हैं, इतना भी नहीं। मैंने वैसे सिविल जज साहब के पास एक ज़माने में किया आर्ग्यू, इतनी गर्मी थी और वो मैं बता रहा हूँ रजा काजम की, पहले सिविल जज साहब का कोट उतरा, फिर उनकी टाई उतरी, फिर उनका वेस्ट कोट उतरा उसके ऊपर नीचे करके, और एंड पर बनियान ही मेरे ख्याल में रंगों की रह करके वगैरह छोड़ दिया था बड़ा, हाँ, और बड़े ज़बरदस्त धुआंधार बहस हुई। इस पे अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करें अहमद का, इसकी मुझे जल्दी, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी बैटरी ना मर जाए मोबाइल की, जितना रिकॉर्ड हुआ है वो ना खत्म हो जाए, प्लीज पूछे।
नहीं देखिए, हमने तो आपको वो कानून बताना है जो, पहली तो बात है यही कानून निचली अदालतों के लिए भी है, ये नहीं है कि हाईकोर्ट के लिए ये कानून है। दूसरी बात ये है कि यही कानून लिखा गया है जो जिसको नीचे भी आपने इम्प्लीमेंट करना है। और सुन लीजिएगा मुझे, अब ये जस्ट बिकॉज कि नीचे वाली अदालतों में चीज़ें नहीं फॉलो होती तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते और आपको बता दें कि वहाँ पर इस तरह नहीं, इस तरह आपने एग्जाम्पल दी कि जगह ही नहीं होती, बट डेफिनेटली जहाँ आपने जाके खड़े होना है वो कोई ना कोई जगह तो होगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल सेंटर राइट लेफ्ट है ही ना, दो बंदे तो खड़े हो ही सकते हो, दूसरी पार्टी तो एक को लेफ्ट पे खड़ा कर दें एक को राइट पे खड़ा कर दें। नहीं मैंने वही वकालत की है, मतलब मैंने को 12-13 साल मांगे हैं, ये कोई अदालत नहीं तो है जैसे आप बता रही हैं मुझे। जी 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 पहला तो सवाल तो वैसे पढ़ने में एक ही है, अहमद की इजाजत से इसका मैं जवाब दूंगा क्योंकि मैं इसे डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ। चीफ साहब से हम पहले दिन भी मिले, सारे के सारे लाहौर के मेंबर्स जाके मिले, हमने कहा कि ये नहीं चीज़ होनी चाहिए। चीफ साहब ने, मोहतरम चीफ साहब ने ये जो चीज़ इम्प्लीमेंट की है मॉडल टाउन वाली, किसी से नहीं पूछा, इवन उनके ब्रदर जजेस को भी नहीं। नंबर टू पे जो प्यूनी जज साहब हैं उन्होंने भी उस मीटिंग में ये कहा कि हम, मुझे तो पता नहीं था लेकिन मैं चीफ साहब के साथ हूँ। इट इज़ एन अनएक्सेप्टेबल थिंग कि लाहौर के कोर्ट्स को आप टुकड़ों में तोड़ के आप पूरे के पूरे शहर के अंदर डिवाइड अप कर दें, दुनिया में नहीं होता। कराची जो हमारे से ज़्यादा बड़ा शहर है, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिवली नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में डिवाइडेड है, मगर कोर्ट्स एक ही जगह पे मौजूद हैं। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू अ केस इन द हाई कोर्ट और उस दिन मैं मॉडल टाउन में पेश हूँ। मैं सिविल कोर्ट में भी मुश्किल से केसेस भुगताता हूँ, राइट? अगर एक मुकदमा मैं मॉडल टाउन के अंदर करने के लिए जाता हूँ तो उसके बाद आई कांट अपेयर इन एनी अदर कोर्ट, और मैं वहाँ पे अगर जाऊँगा सुबह 9 बजे पहुँचता हूँ, उन्होंने कहना जी दूसरा वकील 12 बजे आएगा, मैं हाई कोर्ट से भी फारिग और इधर से भी। माय एक्चुअल कंसर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग इज मोटिवेशन इंसाफ आपकी दहलीज पे पहुँचाना उसका नहीं है। मोटिवेशन ये है कि लाहौर बार का बार एसोसिएशन बहुत बीच में अग्रेसिव है, इसके टुकड़े टुकड़े करके कैंट कचहरी को उधर, कैंट सिविल कोर्ट को उधर भेज दो, मॉल टाउन को उधर भेज दो, शालमार को उधर भेज दो, और चीफ साहब ने ये मुंह पे कहा है हमें। अब ये कल भी मुलाकात हुई पाकिस्तान बार काउंसिल, लाहौर बार, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की चीफ साहब और 7 मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस के साथ, करेंगे देखेंगे इस तरीके से। मेरे नज़दीक नॉर्मली मैंने आपको कहा अपने टाइम पीरियड में सिर्फ 2 स्ट्राइक्स हुई थी, आई एम अगेंस्ट स्ट्राइक्स, इस चीज़ के ऊपर आई एम ऑल फॉर इट। तो इंसाफ का कत्लेआम अगर आप बीच में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या जो इंसाफ का असूल, मॉडल टाउन के अंदर कभी गए? मॉडल टाउन के अंदर गाड़ी पार्क करने की टॉयलेट्स भी नहीं मौजूद, कोई चीज़ मौजूद नहीं, वकील भी नहीं मौजूद, चंद वकील वहाँ पे कचहरी हुआ करती थी। जजेस के लिए तो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं वहाँ पे, 1 लाख जाके मुकदमा वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 60 जज साहबान ने भी वहाँ पे ट्रांसफ़र होना है। वहाँ पे तो एक गेट से आप अंदर नहीं घुस सकते यार, वहाँ पे ये करने के लिए। सो उस चीज़ को रोकने के लिए ये किया हुआ, हमारा मौकफ़ ये, उनका मौकफ़ ये कि डिवाइड अप करना है, इनकन्वीनियंस सारों के लिए, हमारी रोज़ी रोटी भी रुकी हुई है। तो आई एग्री विद यू, बट हमारा मौकफ नहीं, तो फिर यही होगा, आप मॉडल टाउन के वकील हैं, आप यहाँ पे लॉर्ड सेंट्रल के वकील हैं, आप इधर के हैं, आप उधर के हैं, सारे के सारे। जी में
यहाँ पर भी अभी सर ने बहुत हमें गाइड किया, क्योंकि जब हम जाते हैं सर बिल्कुल टोटली ऑपोजिट चीज होती है वहाँ पे, हमें समझ ही नहीं आता कि हम आए कहाँ पर हैं, कि क्या हमें तो कुछ और पढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ और सीखते हैं, और फिर वहाँ जाते हैं अल्टीमेटली हमारे एक्सपेक्टेशन ग्रो करते हैं, और फिर हमें ऐसे धीरे धीरे ओनली नो जो हम लोग कोर्स ऐसे कोर्स देखते होते रहते हैं उसके बाद में इतना टाइम ही नहीं चला तो उनके पास देखिए बहुत चीज़ को हमारे को बहुत जल्दी चले हम सीख नहीं सकते जी जी देखिए सिविल कोर्ट जो है वहाँ पर वकला पेश होते हैं, ठीक है जी, और वकला जो है वो तमाम लोग हैं जो ग्रेजुएट करके जा रहे हैं, पहले एथिक्स का कोर्स नहीं था इसका हिस्सा, अब आई थिंक दो चार साल से काम शुरू किया है, आपको इसका आगाह करने का मकसद ये, आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोग वहाँ पर जाके इन बैचेस जब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता एक ओवरऑल चेंज आएगी। ये आपकी बात दुरुस्त है कि ऑलरेडी वहाँ पर माहौल बहुत बुरा है और ख़तरनाक माहौल है जो कि एथिक्स के दूर नज़दीक से इसका ताल्लुक नहीं है, इसी वजह से इस कोर्स को इंक्लूड किया गया है। ये तो फिर वही बात होगी कि एलएलबी में जो आप पढ़ के जाते हैं कि जी रिटर्न स्टेटमेंट इतने टाइम में फाइल होनी है, 30 कभी भी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सीपीसी बदल दें, सवाल मकसद ये है कि आपके कानून के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं और ट्रेडिशंस हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता नॉट दिस ये ट्रेडिशंस की बात कर रहा हूँ जो कि होनी चाहिए। अब चूंकि हमारा एटमोसफेयर वहाँ का ठीक नहीं है और वो आप लोगों से ही ठीक होगा आहिस्ता 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 आहिस्ता, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी कनेड कॉलेज के कुछ 3-4 बैचेस चले गए, अब उन सबको मैं जो पढ़ाता हूँ तो मैं उनको एक्चुअली सिखाता हूँ कि किस तरह खुला ये वो इस तरह की बेसिक चीज़ें वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं बच्चियाँ वहाँ जाके, और उसका एक फ़र्क भी आ रहा है। हमारे से बहुत सारे सिविल जजेस ने भी कहा है कि इनसे हमने पूछे हैं लोग कि इनको कोई स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। अब इसी तरह आप लोग भी जब उस जगह पर जाके इम्पैक्ट डालेंगे तो उसका फ़र्क आएगा, डेफिनेटली फ़र्क आएगा। सो मैं ये कहूँगा कि ये इस तरह नहीं हो सकता कि वो एटमोसफेयर आपके मुताबिक हो, आपको आहिस्ता आहिस्ता उसको चेंज करना है। जी मोहम्मद भाई, इसका जवाब यार यही है यार, ठीक है आप भी बंदूक जाके खरीद लीजिए एक हजार और वहाँ पे जाके आप 8-10 वगैरह जाके, मेरे पास कोई नहीं है वगैरह, मेरे सामने जब आप ये हरकत के लिए आएंगे तो मैं आपका लाइसेंस खत्म कर दूंगा अगर मैं डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर हुआ और ये बाकी चीज है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज आपको हम तलकीन कर रहे हैं और आपसे डिस्कस कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि दिस इज द प्रॉपर वे टू डू इट, इससे दुश्मनियाँ बढ़ती हैं और इससे फड्डे होते हैं, इससे ताले लगते हैं, इससे एक दूसरे के गुत्थम गुत्था होते हैं। आपने अपना दामन बचाकर प्रोफेशनलिज्म के साथ जाके करना है, मैं ये आपसे डिसएग्री करता हूँ कि काम वगैरह आप नीचे जा, मैं सिविल कोर्ट अभी भी जाता हूँ यार, मैंने कहा कि कई जगह पे मेरा भी दिल चाहता है कि मैं कुर्सी चलाऊँ या अपनी मैं बताऊँ तुझे पता नहीं मैं मेंबर बार काउंसिल हूँ, मैं भी 12 लड़कों के साथ जा सकता हूँ जो कि अहदेदार जा रहे होते हैं और वहाँ पर रीत पड़ी हुई है, बट यू कांट से कि दिस इज़ द राइट थिंग। और ये जो गुफ्तगू करने का और ये कर रहे हैं, मैंने आपको इब्तदा में ही कहा कि दिस कैन प्रॉब्ली बी आज की सारी गुफ्तगू कैन बी द मोस्ट यूजलेस थिंग फॉर यू, या इट कैन सेव योर लाइफ, इट कैन गिव यू डिग्निटी एंड यू कैन से कि ये इस पे लाना था बंदे के ऊपर, इसने बेचा आइंदा मैं इसको वोट नहीं दूंगा, ये इसको अहदेदार बन गया, या यू कैन टर्न अराउंड एंड से कि जी मैं भी बीच में शुरू कर लेती हूँ वगैरह, इसमें मुझे प्राडो मैं भी खरीद सकूँगी और मैं जाके डन करती हूँ और मैं ये करती हूँ और मैं वो करती हूँ और इस तरह करके करते हैं। वो वाली चीज़ जो है उनका इख्तिताम मैंने कभी भी अच्छा नहीं देखा, जगह आपने ढूंढनी है, हम तो आपको ये कर रहे हैं बता रहे हैं कि यार करो कानून में ये है, और वो अगर करता है तो उसका आपको मवाद दिखा रहे हैं कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप उनके खिलाफ बंद बांध सकती हैं, ये रूल की वायलेशन है, ये एप्लीकेशन दे सकती हैं, हमें कंप्लेंट दे सकती है, चलती है नहीं चलती वगैरह, इट इज़ एन ऑन गोइंग, देर इज़ नो परफेक्ट केस, बट यू आपको अपना ये बीच में देखना पड़ेगा। मैं आपको सही रास्ता बता रहा हूँ, अब आपने इस्लाम कबूल करना या नहीं करना वगैरह, मैं तो नहीं आपको ज़बरदस्ती बीच में करवाने लगाना कि ईमान आप लाती हैं या आप सही चीज़ करती हैं कि नहीं। अब खराबी आप आसपास ज़माना ही जारी थी है बीच में हमारे आसपास, और उसके मुताबिक अगर आप ठीक करना चाहते हैं सर। मेरा ख्याल है कि उसको मतलब सम अप करने के लिए यही बात होगी कि एक तो आप उनकी इज्जत करें, क्योंकि ऑफ कोर्स वो क्लाइंट है, क्लाइंट के बारे में एक तासुर पुराना यही होता है कि जिसको बड़ा खींच के रखना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, वो आपके लिए रिस्क लेके आ रहा है, वो आपका जरिया बन रहा है आपके मुआश का, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसके साथ बिल्कुल बेइंसाफी भी नहीं होनी चाहिए और उसके साथ बदतमीजी भी नहीं होनी चाहिए, यू शुड ट्रीट हिम विद डिग्निटी। जी
ले सकती हैं अगर आप ट्रेडिशंस के अगेंस्ट हैं, दीज आर ग्रे एरियाज मिसकंडक्ट के, मैं इसलिए जवाब इसका दे रहा हूँ बिकॉज मेरी ये फील्ड है बार काउंसिल वाले मामला, कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स और आपके ट्रेडिशंस को अगर वायलेट किया जाता है, इट्स नॉट लाइक ये खुली छुट्टी है आपके पास, आप हाईलाइट करके आते हैं, बट दे माइट नॉट बी जिसपे आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, मगर अगर आप उसको टर्न्स इनटू वायलेंस या कोई और चीज़ें, हम आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आप बेहतर वकील, जजेस के पसंदीदा वकील कैसे बन सकते हैं, बिकॉज आपको अभी भी बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट बंदा जज है, ऑर्डर उसने करना है आपके फेवर के अंदर, दैट इज़ वाई यू नीड टू डू ऑल ऑफ दिस। सो उस मेरे जब मेरा जवाब तो आपको उसको यही होगा कि येस दीज आर योर ट्रेडिशंस और इस डायरेक्शन के अंदर ये आपको इसलिए पर कर रहे हैं कि ये लाजमी नहीं है कि दूसरे का आपने लाइसेंस करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे एक्ट करना है जैसे मैं करता हूँ। जी जी फ्लेक्सेस किनको कह रहे हैं आप? इलेक्शन की बार एसोसिएशन की, वो आपको आप शायद पहले वाले हमारे इलेक्शन में नहीं थे, वहाँ पे हमें यही बताया था कि वो रेगुलेशंस की वो इलेक्शन के लिए हैं, यू आर नॉट एडवर्टाइजिंग योर सेल्फ, यू आर पुटिंग योर सेल्फ एज अ कैंडिडेट। और कई बंदे जो जिन्होंने एक मुका जिनको पांच वोट भी नहीं मिलने होते, वो मेंबर बार काउंसिल के लिए खड़े हो जाते हैं और उनकी फ्लेक्सें अगले पाँच साल तक लगी रहती हैं और उनकी शोहरत करते रहते हैं। तो अवल तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये कहता है आप फ्लेक्सेस भी नहीं लगा सकते, मगर लगती हैं, हमारे गेट पे लगी हुई। वो वायलेशन है, वो तो आपकी लिखी हुई है इसमें कि आप एक सर्टेन, बाय द वे बोर्ड का साइज है, आई थिंक 6x something है। हमारे अपने यारों ने हमारे एक अपने यार ने बीच में मेन बुलेवार्ड के ऊपर एक बिल्डिंग, वो उधर से शुरू करके बिल्डिंग के एंड तक बीच में किया हुआ था, वो बड़े बड़े लगाए हुए। पर देखो आप देख जिन चीज़ों के ऊपर ना, यहाँ पे मकसद गुफ्तगू करने का ये है कि आपको सब्सटैंशली एथिकल चीज़ों का हम बताएंगे। आप जो ये टेक्निकल नुकते कि जी एन जो हो जाएगा तो ए होएगा वो वगैरह, इट्स नॉट द पॉइंट। आपको जनरली एथिकली करेक्ट होना चाहिए, कंप्लाइंस वगैरह इसके ऊपर। अब मैं उसके लाइसेंसेज हाँ मैं नोटिस भेज दूंगा, मगर ए करके कि नहीं इसका इस चीज़ के ऊपर आप करें, इट्स नॉट अ थिंग। वो बंदा गोलियां मार रहा था, टॉर्चर कर रहा था, जाली वकील है, those are my concerns, but I am just telling you कि be ethical, otherwise करने के लिए social media पर भी करते हैं, उनके खिलाफ हम act करते हैं, जिस दिन हमारे अंगूठे के नीचे आए इसी ग्राउंड को बचा तो मैं हम पारित करा दें। खत्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ही बस, फिर मैंने भी जाना है। बंदे का नाम बता दे, मैं तबीयत साफ करते हैं। बंदे का नाम यार आइडेंटिफाई कर देना, बिकॉज ये दो नंबर ही हो रही है, अन्य वहाँ मार्केट के अंदर हमारी सस्ती कॉपियां गंदी ऑलरेडी चल रही हैं। आप यू पॉइंट इट आउट, वी टेक इट अप। उसका नाम लिख के ना जी पता करके, तो मोहम्मद अकबर डायरी जो है 3000 यार उसका मैं आपको देखो, तो अगर वो पैसे देके गया, अगर वो पैसे लेके गया रीसेल करने के लिए तो ठीक है, आइडियली तो आपके लिए वो बीच में मौजूद थी, हो गया है। आप ये कंसिडर कर, कल ये जो कमेटियाँ पी एल जे की आज ख़त्म हो गई, एक अब नया बंदा आएगा, ये भी सारे गुर रखते हैं, किताबें इधर अदर कट दी और कट दी, अगली कमेटी बन के आएगी अगले हफ्ते से, कल इलेक्शन है हमारा, उसके अंदर जो अगली कमेटी आएगी उसको कहेंगे कि जीरो से शुरू करना है और किताबें छापनी, ये यहाँ पे गौर और ये दो नंबरियाँ बेशुमार नज़र आती हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। आपने जो प्रॉब्लम पर सब पॉइंट आउट की है वो अगली कमेटी के साथ भी टेकअप करेंगे, अगले साल का मतलब है अगले हफ्ते तक। इजाजत है जी, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी लवली टॉक सर। ये सारे दोस्त इधर आए प्लीज, एक तस्वीर हम उतरवाना चाहेंगे।
is there any Urdu legal dictionary which converts the English version to Urdu? सर ये कोई उर्दू लीगल डिक्शनरी को अच्छे से बताएं जो अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देती है, कहते हैं मुझे प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी है, मैं वो आपको दे दूँ। ये मोहम्मद भाई का सब्जेक्ट है, आपको बेस्ट बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक्सपर्ट है। स्टॉप रिकॉर्ड।